हिस्टोरियोग्राफी का एक ऑर्गेनिक नॉलेज और एक ऑर्गेनिक अवेयरनेस होना जरूरी होता है। सी फॉर एनी ऑप्शनल नो यू हैव टू लाइक द सब्जेक्ट। कोई ऐसी चीज नहीं है कि खुद से नहीं कर सकते हो आप। व्हाट यू आर सपोज टू नो इस एक सिंगल टॉपिक के लिए अंदर कितना जा पाते हो एंड कैन यू राइट अ थीसिस, कैन यू राइट 10 पेजेस 20 पेजेस ऑन दैट। जो लोग एकेडमिया वाले होते हैं दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू शिफ्ट टू दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। वंस दे शिफ्ट इट इज वेरी गुड। प्रिपरेशन में, यूपीएससी की प्रिपरेशन में और एग्जाम में दो करेंसीज हैं, एक है टाइम और दूसरा है पैसा। सो एकेडमिया में जाना विल हेल्प यू अ लॉट इन इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, डेफिनेटली। सो निखिल सर एंड आई आर बोथ गोइंग टू बी कंडक्टिंग दिस वेबिनार। इनिशियली आई एम गोइंग टू डिस्कस थ्री एसेंशियल स्किल्स नीडेड टू स्कोर 300 प्लस मार्क्स, फॉलोड बाय निखिल सर हु विल बी फिनिशिंग अस ऑफ। द वे दैट वी हैव प्लान्ड इट इज दैट we are going to begin first of all by discussing each of these skills one by one, and having discussed every particular skill I'll be giving you an opportunity to raise some queries. If there are no queries we'll be moving forward to the next skill. Is tarah se 6 skills ko pura cover karenge. By the point that we are ending with sixth skill most of your queries are going to be answered, and agar kuch queries ho bhi reh bhi jati hain jo abhi uske baad nahi answer hui hai to last mein ek open interactive session rakh lenge. You will be invited to put your queries to either of us and we'll do our best to answer you. Meanwhile ek thoda survey bhi le. How many of the students are first timers and how many have prepared optional before, how many are yet to start the optional right now? Yes, so thoda sa tuning kyunki the responses we got were kind of mixed one. आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर लिया है, मे बी यू हैव ऑलरेडी टेकन द एग्जाम आल्सो, कुछ लोगों ने मेंस भी लिखा होगा, फॉर सम रीजन यू विल नॉट एबल टू पास इट। तो अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है, एट व्हाट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी यू आर, इफ यू कैन लेट अस नो वी विल बी एबल टू गिव यू अ बेटर स्ट्रीमलाइन आंसर एंड वी विल बी एबल टू कंडक्ट द वेबिनार इन अकॉर्डिंग विद दैट, राइट? तो लेवल अपना एडजस्ट कर लेंगे उसके हिसाब से। सो प्लीज इफ यू गाइज कैन लेट मी नो चैट बॉक्स में, यू कैन लेट मी नो कि अभी आप लोग बिगिन कर रहे हैं प्रिपरेशन, यू ऑलरेडी कर चुके हैं, कहीं से कोचिंग किया है या नहीं किया है, कोई किताबें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, राइट? या फिर हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ग्रेजुएशन में था आप लोगों का सब्जेक्ट इस तरह का, या कंप्लीट फ्रेशर हैं। सो इफ यू गाइस लेट मी नो, न्यू स्टूडेंट लगनदीप, ऑलराइट, वेलकम लगनदीप, सेल्फ प्रिपरेशन सिंस 2023, नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड, जो विल बी गोइंग फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2025, वेटरन, ऑलराइट, ओके। तो एक मिक्स हमको मिल रहा है, ज्यादातर लोग एकदम फ्रेश स्टूडेंट्स हैं और कुछ एक आध लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं एंड फ्रॉम हियर, ओके, 2021 में कोचिंग किया था बट आफ्टर सम टाइम रियलाइज इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, सो राइट नाउ डूइंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम 1979, बट या इट इज कंज्यूमिंग। ऑलराइट दिव्यांश, राइट, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स गाइस, थैंक यू। नाउ लेट अस बिगिन आवर वेबिनार। एक हम लोगों ने प्रेजेंटेशन टाइप का प्रिपेयर किया हुआ है एंड वील बी वॉकिंग you through these six critical, maybe it will be able to address many of the problems that you guys are facing, right? Now kin six critical skills ko address karna hai hame? First of all, strategically breaking down the syllabus and analyzing the previous year's questions, studying from the most relevant sources, optional specific note making for both comprehensive and synoptic type of notes, answer writing that is addressing the demand, approach, organization and presentation of your answers, mapping and updated historiography which is required to decode not just one third of the paper but if you look at the previous year's question papers, especially 2023 mein, more than half of the questions were debate related, either directly touching upon a debate or involving the discussion of a debate. Agar acha answer likhna hai to uske liye, right? So these six critical skills we are going to break down for you, and before we do that, hum logon ne jo abhi aap logon se registration form fill karwaya tha, that had a section
in which you were invited to put forward your problems or issues that you have been facing during your history option preparation. And here is a breakdown of the most generic problems that you guys have responded with. पहला तो कि सिलेबस बहुत बड़ा है और कवर करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, उसको मैनेज नहीं हो पा रहा है, राइट? बट एज यू विल लर्न फ्रॉम आवर डिकोडिंग ऑफ द सिलेबस, कि सिलेबस बड़ा नहीं है, इट इज सिंपली क्वाइट डिटेल्ड, विच इज नॉट एक्चुअली अ वीकनेस ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, इट एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल. Secondly, which sources to refer to? Too many sources exist. That is true, because every year about 60 to 70 new books are being published which are relevant for Indian history alone. Right? World history के लिए 100 से ज़्यादा और किताबें publish होती हैं. Obviously, इतना तो कोई cover नहीं कर सकता है. तो what should be the strategy and क्या approach रहना चाहिए towards these sources? That there are too many names, dates and places to remember. Now, this is because of an improper understanding of history. History किसी और discipline की तरह ही time के साथ evolve होता रहता है, right? पहले history इस तरह का होता था that it focused upon personalities and events, like some great man came along and changed the course of history. तो उसका नाम, उसकी deeds, उसके actions, the dates when those deeds took place, those important events which changed the course of history, ये सब याद रखना important हो जाता था, right? And but more recently एक नया picture emerge होकर के आ रहा है, namely that history is being understood as an evolving narrative, right? Narrative किस चीज का? Historical change का. तो history में जो अलग अलग developments हैं एक दूसरे से डिसोसिएटेड नहीं होते हैं, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, राइट? तो वन इवेंट मे बिकम द कॉज फॉर अनदर इवेंट, द इफेक्ट्स ऑफ व्हिच मे रिजल्ट इन अनदर इवेंट डाउन द लाइन और अ प्रोसेस डाउन द लाइन. सो हिस्ट्री हैज बीन रीडिफाइंड एज अ फ्लोइंग नैरेटिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, व्हिच इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. ठीक है, तो अबॉर्टिव प्रोसेस नहीं होता है, कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है. And because of this new understanding, the importance of names, dates and places have reduced हमारे लिए, right? So history अब पढ़ने के लिए, आज के अगर 20 साल पहले पढ़ रहे होते तो yes, names, dates and places etc. they may have been quite important for you to remember. रट्टा मारने की जरूरत पड़ती, लेकिन अब उन processes को समझना और उनको apply करना analytically in your answers, that has become more important. Another problem that has been raised is the issue of time management. कितना time देना चाहिए, time कम पड़ जाता है history optional के लिए, कैसे manage करें, right? So we'll be covering that also. Timely revision or retention issues, making quality notes. So time management, timely revision or retention issues, these are the functions of note making and referring to proper sources primarily, and it is also a function of how the knowledge that has been absorbed is being processed in the mind. तो उसको समझा कैसे जा रहा है, उसको process किस तरह से किया जा रहा है, उसका function होता है ज्यादातर, right? And as a result इसको हम tactically tackle कर सकते, right? It is not a problem that is insurmountable. कई लोग करते हैं and we can do it as well. Next issue that was raised is that mapping or की strategy या sources क्या होने चाहिए, that we are going to discuss in this particular webinar. Then answer writing के pointers चाहिए लोगों को. Some people are unable to write good answers even though their syllabus has been covered. So that is also because of improper approach. So, किस तरह से आपको approach करना चाहिए answer writing को, importance क्या होना चाहिए as part of your preparation. So that we are going to shed light upon. Then another issue raised by the students was collecting the historiography of various topics and analyzing the historiography, क्योंकि ज़्यादातर questions सब analytical हो जा रहे हैं. Now this is also quite important and this is one of the critical skills that we are going to address. And finally, कुछ नॉविसेस थे, कुछ नए लोग आए थे जिन्होंने कभी हिस्ट्री ऑप्शनल पहले प्रिपेयर नहीं किया है, उनका क्वेश्चन था कि पेपर का स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं.
तो दिस इज दी मोस्ट इजी वन, तो इसको सबसे पहले एड्रेस कर देते हैं. सी योर हिस्ट्री ऑप्शनल इज डिवाइडेड इनटू टू पेपर्स, पेपर वन एंड पेपर टू. पेपर वन कंटेन्स ऑफ टू सेक्शंस ए एंड बी, एंड सिमिलरली पेपर टू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू क्वेश्चंस ए एंड बी. सेक्शन ए ऑफ पेपर वन इज ancient history, section B of paper 1 is medieval Indian history, section A of paper 2 is modern Indian history, and section B of paper 2 is world history. Now har paper mein there are a total of 8 questions, lekin sare questions compulsory nahi hote hain. Out of these 8 questions, a total of 5 questions have to be attempted. In both paper 1 and paper 2, questions 1 and 5 are compulsory. And candidates ke paas choice hota hai ki baaki bache 6 questions mein se kaun se 3 questions attempt karne hain. Lekin ek condition saath mein hota hai that they have to attempt at least 2 questions including the compulsory question from each and every section. यानी कि अगर आप क्वेश्चन वन और क्वेश्चन फाइव कर रहे हो तो कम से कम 2, 3 या 4 में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, एंड 6, 7, 8 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा. सो प्लस 3 अदर्स इंक्लूडिंग वन क्वेश्चन एटलीस्ट फ्रॉम ईच सेक्शन, राइट. For the purpose of demonstration, ये पिछले साल का question paper है. This is Civil Services Examination 2023 History Question Paper 1, right? So, as I told you, हर paper के 2 sections होते हैं, Section A and Section B. Section A में question number 1 and Section B में question number 5 compulsory होते हैं. In paper 1, Section A में जो question number 1 है, that is mapping question always. तो मैपिंग वाला क्वेश्चन आपको कंपल्सरीली करना पड़ता है, एंड देन फ्रॉम द अदर क्वेश्चंस 2, 3 एंड 4 यू हैव टू डू एटलीस्ट वन, राइट. तो क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 हैव 3 सब पार्ट्स ईच. द वेटेज ऑफ ईच क्वेश्चन यानी कि 4A, 4B, 4C को मिला दीजिए अगर, तो दैट विल बी 50. दैट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरी क्वेश्चन. सिमिलरली क्वेश्चन सेक्शन बी में there are 4 questions. Question number 5 is compulsory. It is 5-10 marker questions, and then question 6, 7 or 8 में से आपको कम से कम एक और करना पड़ता है, so that a total of 5 questions are attempted. Once again, every question is worth 50 marks each. Similarly, paper 2 के लिए once again 2 sections, question 1 and 5 are compulsory. Question 1 and 5 are 5-10 markers questions, while questions 2, 3, 4 and 6, 7 and 8 are 3 questions, have 3 subparts worth a total of 50 marks, right? So ye pattern ho gaya paper ka. I hope this is clear to you guys. Now coming to the decoding of the syllabus. To kaise humko decode karna hai syllabus? Syllabus is going to be your constant companion throughout your preparation, right? इसको आपको इंटरनलाइज करने की जरूरत है, एंड यू हैव टू ब्रेक इट डाउन साइंटिफिकली सो दैट इट एड्स यू इन योर प्रिपरेशन. तो कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कोरिलेशन बिटवीन द पीवाईक्यूज एंड द सिलेबस? थ्रू एनालिसिस. यू द कोरिलेशन ऑफ पीवाईक्यूज विद द सिलेबस इज गोइंग टू अलाउ यू टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स व्हिच आर इमर्जिंग. इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू हाईलाइट द मोस्ट रिवॉर्डिंग सेक्शंस, राइट. तो जहां पर सबसे कम मेहनत करके आपको सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिले वो पहले करना चाहिए, उसको सबसे कंसोलिडेटेड तरह से प्रिपेयर करना चाहिए. सो इट इंस्ट्रक्ट्स यू अबाउट हाउ मच टाइम एंड एफर्ट शुड बी गिवन टू ईच सेक्शन, राइट. करना कैसे है इसको? तो जो भी आपका सिलेबस है ना वो यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा. आई हैव प्रिपेयर्ड द सिलेबस, उसको मैंने मॉडिफाई किया है इन सच अ मैनर सो दैट वो आइटमाइज हो जाए. अदरवाइज सिलेबस आप अगर उठा कर देखेंगे तो इस तरह से पॉइंट्स और बुलेट पॉइंट्स में डिवाइडेड नहीं होता है, राइट. इट इज सिंपली अ नैरेटिव.
राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि एक आइटमाइज सिलेबस का कॉपी, या तो आप ये वाले यूज कर सकते हैं, आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट यू विल हैव टू सिट विद। सेकेंड थिंग दैट यू शुड सिट विद इज द प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, राइट। एंड आपका काम क्या होगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल हैव टू असाइन टू ईच एंड एवरी सब टॉपिक विद इन दीज सिलेबाई, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन आया है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, तो आपको वहां पे असाइन करना पड़ेगा, राइट। एंड इसके एंड में आप क्या करोगे, यू विल बी एनालाइजिंग कि कौन से सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वो डिबेट वाले क्वेश्चन हैं, क्या फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, क्या थीमेटिक क्वेश्चन हैं, और आर दी क्वेश्चन मोर जेनेरिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन बी आस्ड अबाउट द सोसाइटी ऑफ एंशियंट इंडिया, you will have to write about society of ancient India throughout the historical period, yani ki Aryan period se lekar ke post Gupta period tak, right? So this kind of analysis you will be doing. Secondly, you will be preparing a heat map. Heat map ka matlab ki kaun se area se kitne questions aaye hue hain and how frequently do they repeat themselves. So you will be able to then analyze ki kaun se wale aapke liye important hai, kaun se kam important. Thirdly, एक और ट्रेंड देखने के लिए मिलता है दैट फॉर एग्जाम्पल सोर्सेस से अगर 2023 में 3 या 4 क्वेश्चन आ गए हैं और स्पेसिफिकली इंडिजिनस सोर्सेस से 3 या 4 क्वेश्चन आ गए हैं, तो चांसेस आर कि नेक्स्ट ईयर वहां से उस सेक्शन से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, एट मोस्ट एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन सोर्सेस से क्वेश्चन जरूर आएगा तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आएगा, राइट। सो यू विल बी एबल टू प्लान योर प्रिपरेशन इन अ मैनर दैट इट इज गोइंग टू बी मोस्ट रिवॉर्डिंग फॉर यू। Now, what I have done in this particular presentation is कि 1985 से लेकर के 2023 तक जितने भी question papers हुए हैं, I have gone through all of those and analyzed. ये heat map मैंने आपके लिए prepare कर दिया। For example, पहला जो सबसे topic है ancient India का sources, वहां से 15 questions आए हैं, pre and proto history से 4 questions आए हैं, IVC से 18 questions आए हैं, and so on and so forth. Paper 1, that is Ancient and Medieval India, consists of a total of 24 topics, right? And paper 2, that is Modern and World India, consists of a total of 27 topics. Aur in sare topics ko aap agar divide karte ho aur is tarah ka analysis karte ho, then you will be able to come up with your own heat map. The heat map that you prepare is going to look somewhat like this, right? तो अगर ब्राइट रेड है तो इट इज द हॉटेस्ट, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर डल रेड है तो उससे कम चांसेस हैं। देन ऑरेंज है तो उससे कम पॉपुलर है, देन ग्रीन है तो उससे कम पॉपुलर, एंड लीस्ट पॉपुलर आर दी ब्लू वंस। सो दिस इज अ हीट मैप दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई सेल्फ। यू कैन प्रिपेयर अ हीट मैप लाइक दिस ऑफ योर ओन। दिस इज अ हीट मैप विच कवर्स द प्रीवियस 35 ईयर्स ऑड ऑफ क्वेश्चंस। यू नीड टू प्रिपेयर ओनली 10 ईयर्स पर। नाउ क्वेश्चन आप पूछोगे कि यार PYQs के तो हम टॉपिक वाइज एनालिसिस कई वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, अदरवाइज मार्केट में भी टॉपिक वाइज PYQs डिवाइडेड हमको मिल जाते हैं। नाउ माय आंसर टू यू इज द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू इंटरनलाइज योर सिलेबस, राइट। इट इज गोइंग टू बी योर कॉन्स्टेंट कंपेनियन। Your syllabus and the previous year's questions are going to be the guide which guide you through the process of preparation. तो अगर ये आप किसी और का पका पकाया माल कंज्यूम करने की कोशिश करते हो, देन यू विल बी एक्सटर्नलाइजिंग दिस प्रोसेस इंस्टेड ऑफ इंटरनलाइजिंग इट, राइट। अनदर बेनिफिट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दैट इट विल बी एबल टू हाईलाइट द गैप्स इन योर प्रिपरेशन, राइट। तो कुछ अगर बहुत रिवॉर्डिंग सेक्शंस हैं जहां से आप जो आपके वीक हैं अभी, और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये मुझे और अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए, सो यू विल हैव फोर नॉलेज ऑफ दैट। You'll also be able to know what kind of questions are coming from each of these topics, right? And it is going to act as a constant guide for you to fix your approach towards the paper, right? Achha, ab ye to maine aapko upar upar se bata diya ki kaise karna hai ye kaam. Now, let me be more specific and micro detailing karke main aapko ye samjha deta hun, right? For example, let us look at the 2023 question paper and इसको हम break down करने की कोशिश करते हैं by assigning the different subtopics to this question paper,
राइट. तो फॉर एग्जाम्पल राइट 2022 पेपर वन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन तो मैपिंग वाला है, वो तो माइक्रो डिटेलिंग कर नहीं सकते हम. तो पेपर वन, द नियोलिथिक एज रिप्रेजेंट्स अ रेवोल्यूशन ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. राइट. द क्वेश्चन इज फ्रॉम प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, दैट इज टॉपिक नंबर टू. एंड वहां पे भी नियोलिथिक, दैट इज बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक. राइट. क्वेश्चन नंबर टू, द इंडस सरस्वती कल्चरल जोन एग्जिबिटेड बोथ होमोजेनिटी एंड डाइवर्सिटी, डिस्कस. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर थ्री, द इंडस वैली सिविलाइजेशन. स्पेसिफिकली इट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. राइट. टू सी, हाउ डू द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड वास्ट कॉर्पस ऑफ वैदिक लिटरेचर हेल्प टू डिटरमिन द आर्यन प्रॉब्लम इन इंडियन हिस्ट्री. नाउ आपको ये सेंस लग सकता है कि ये टॉपिक, ये क्वेश्चन सोर्सेज से है, बट दिस इज एक्चुअली फ्रॉम आर्यन एंड वेदिक पीरियड, स्पेसिफिकली द एक्सपेंशंस ऑफ आर्यंस इन इंडिया. सो वहां पे भी सोर्सेज का एक एनालिसिस इंक्लूडेड है. राइट. एंड दैट इज वेयर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम. क्वेश्चन 3A, हाउ फार द संगम लिटरेचर एक्ट्स एज अ विंडो इनटू द सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ साउथ इंडिया. सो संगम लिटरेचर इज पार्ट ऑफ टॉपिक नंबर 9, early state and society in eastern India, Deccan and south India, and over here Sangam literature and culture. Right. Then question 3b, analyze the contours of imperial ideology exhibited during Mauryan period. Mauryan period is topic number 7, and over here we have Ashoka concept of Dhamma, edicts, polity, administration, right, and economy. So this is going to be relevant for this particular question. Question 3c, evaluate the status of women in the Gupta period as compared to the pre-Gupta era. Gupta period is number 10, Guptas, Vakatakas and Vardhanas, and within this we have the position of women. So comparative analysis bit of position of women in the pre-Gupta period to the Gupta period. Then we have question 4a, analyze the tenets, spread and impact of the Bhakti movement. Now Bhakti is part of early medieval India, cultural traditions in 750 in India, 750 to 1200, right? And over here we have growth of Bhakti. We have to talk about the spread and impact of the Bhakti movement. Then question number 4b, how far temple architecture under Cholas became more refined and grandiose as compared to the early South Indian temple architecture style. Now Cholas fall under topic number 11, Chalukyas of Kalyan, Cholas, Hoysalas, Pandyas, polity, administration, growth of art and architecture, right? Institution of temple and mathas. And finally, question 4c, is it correct to say that post-Gupta period was remarkable for expansion of religious cults in India? So this also comes under regional states during Gupta period, right? That is growth of Vaishnava and Shaiva religions, Tamil Bhakti movement. तो इस तरह से आपको सारे सब टॉपिक्स में ये क्वेश्चंस असाइन करने होंगे. द बेस्ट वे टू डू इट इज टू प्रिपेयर एन आइटमाइज्ड कॉपी ऑफ योर सिलेबस एंड उसके नीचे टेबल के फॉर्म में आप ये क्वेश्चंस को कॉपी एंड पेस्ट करते जाओ. राइट. अंटिल एंड अनलेस यू डू दिस ऑन योर ओन, द पैटर्न ऑफ द पेपर इज नॉट गोइंग टू रिवील इटसेल्फ टू यू. यस, देयर आर सम सोर्सेज अवेलेबल जो टॉपिक वाइज आपको ये डिटेल दे देते हैं, but that is a type of externalization of the process of internalizing the syllabus rather than actually internalizing it. Right. So usme ye problem hota hai. Right. So that is the first skill that is necessary to decode the syllabus and correlate with the previous year's questions.
right? Now, those of you who have any doubts regarding this particular skill, you can please let me know so that we can carry forward. Agar koi doubts hain regarding the syllabus and how to decode it, how to correlate the previous year's questions with it, please let me know. No doubts. Other students, you can also please go ahead and let me know. No doubts. All right. So in that case, I'll be moving ahead to discuss the next important skill, that is the sources. Achha. How I have to start my history optional because I'm a new student. Abhishek, this is a question that is best posed at the end of this discussion. So I would request you to please hold on to this query. Okay. I'll be getting back to you regarding this. Right. So once again, problem kya hai ki sources bahut zyada hai and in the end, it ends up creating the sense of a major panic. So hamara kaam kya hai ki in sources ko minimize karna hai aur standard sources lene hai. Standard sources ka matlab those sources which the UPSC has been relying on quite reliably for the past several years to frame questions and jahan se zyada questions ke aap answers derive kar sakte. I'm not going to say ki 100% of the questions are going to be covered from these sources only, lekin 90% to phir bhi aapke cover ho jate hain. Apart from that, some additional reading may be required. For ancient India, foundation establish karne ke liye your old NCERT RS Sharma wala and jo Tamil Nadu board ka SCERT hai, wo cover karna hai. And value add karne ke liye do important sources hai. One is Upinder Singh, jahan pe aapko historiography bahut detail mein milega, archaeology ka reference bahut zyada hai, interdisciplinary study aur debate kafi acche se cover hue hain aur mapping ke details kafi richly discussed hain. And second material is IGNU material, right? The second, medieval India. Once again, foundation banane ke liye NCERT and Tamil Nadu board ki jo SCERT hai, wo cover karni hai. Jo purani NCERT hoti thi, Satish Chandra wali, class 11 ki, wo cover karni hai. Reference ke liye, J.L. Mehta ki an advanced study in the history of medieval India, volume 3, right? That is medieval Indian society and culture. IGNU which one? BA MA both? No, only BA. Keval BA history ka. Right? And then secondly, we have Satish Chandra, Medieval India, parts 1 as well as part 2. Part 1 is Delhi Sultanate, part 2 is Mughal Empire. Ye dono cover karna hai humko. And finally, we have IGNU material. Yahan pe once again, you have very good debates as well as maps. Right? So mapping or debates ke liye IGNU material ko aap refer kar sakte hain. Thirdly, modern India ke liye foundation, once again, class 12 ka jo NCERT hai, Bipin Chandra wala, purana NCERT, wo cover karna hai. And yahan par IGNU material ko refer karne ki zarurat nahi hai. It is not as useful for UPSC history optional as other subjects, right? So yahan par aapko keval ek kitab refer karni chahiye according to me, and that is Shekhar Bandopadhyay's From Plassey to Partition and After. All these resources are easily available in the market. Offline bhi aapko jaake market mein se mil jayega, especially if you are in a civil services hub, Mukherjee Nagar, Rajinder Nagar, etc. Ya phir Amazon, Flipkart, kisi bhi web platform ke upar aapko ye asani se mil jayenge. Right? And finally, we have world history.
तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो पुरानी क्लास 9 की एनसीईआरटी होती थी, दैट वाज रिटन बाय अर्जुन देव एंड इंदिरा अर्जुन देव, दैट हैज बीन डिसकंटिन्यूड एंड हैज बीन रीप्रिंटेड बाय ओरियन ब्लैक स्वान इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट बुक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द लेट 19 टू द अर्ली 21st सेंचुरी. अर्जुन देव इंदिरा अर्जुन देव का है. ये आप पढ़ सकते हो फाउंडेशन बनाने के लिए. एंड रेफरेंस के लिए सुरजीत पब्लिकेशन, प्रीवियसली रूपा पब्लिकेशंस पब्लिश करता था इसको, सुरजीत पब्लिकेशंस का अ स्टडी ऑफ मॉडर्न यूरोप एंड द वर्ल्ड 1815 टू 1950 बाय प्रोफेसर एल मुखर्जी, वो आपको कवर करना चाहिए. एंड देन 20th सेंचुरी हिस्ट्री कवर करने के लिए आपको नॉर्मन लॉ को रेफर करना चाहिए, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री. शेखर बंदोपाध्याय ऑल्सो कवर्स मेनी डिबेट्स, दैट इज करेक्ट. एंड फाइनली डिबेट्स और सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री में जो और डिबेट्स हैं वो आपको इग्नू के मटेरियल से मिल सकते हैं. बट वंस अगेन हम उसी प्रॉब्लम पे पहुंच जाते हैं दैट इवन दीज मेनी सोर्सेज मे अपीयर टू बी वेरी बिग और वेरी वॉल्यूमिनस टू मैनेज फॉर मोस्ट कैंडिडेट्स, स्पेशली दोज हु आर अनइनिशिएटेड इन हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपरेशन. तो आपको करना क्या है, देखो आपका जो कोर सोर्स होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी योर ओन नोट्स. उन नोट्स को प्रिपेयर कैसे करना है, थ्रू द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड योर सिलेबस अलोंग विद दीज रेफरेंस मटेरियल. सो इन रेफरेंस मटेरियल से ही निकाल करके आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, बट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, राइट. इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा व्हाइल यू आर ड्राफ्टिंग योर नोट्स. एंड क्वेश्चन कई लोगों का होगा कि मार्केट में सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, सो आर दे यूजफुल, आई से कीप अवे फ्रॉम देम, ठीक है, उनको बिल्कुल छूना तक नहीं है. दो रीजंस, फर्स्टली बिकॉज क्वालिटी ज्यादातर नोट्स के बहुत पुअर है, राइट. इवन जो सेल्फ स्टडी हिस्ट्री का मटीरियल है और मे बी सम कोचिंग का मटीरियल है वो अप टू द मार्क नहीं है, एंड दैट कैन गिव यू ओनली राइटिंग मटीरियल, प्रिपेयर करने के लिए मटीरियल आपको मिल सकता है, लेकिन आंसर को मोल्ड कैसे करना है, क्राफ्ट कैसे करना है, उसके लिए आपको ठीक से प्रिपेयर नहीं कर सकता है, राइट. सो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ये सारे रेफरेंस और फाउंडेशनल मटीरियल हैं, बट एट द एंड यू विल बी रिलाइंग ऑन योर ओन क्लास नोट्स. Does anybody want any more clarity regarding these sources, reference material को लेकर के कुछ और clarity चाहिए क्या? और shall we move ahead? सर, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ सर बिल्कुल, प्लीज गो अहेड. द पॉइंट दैट एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम शुड वी स्टूडेंट्स मेक नोट्स फॉर शुड फर्स्ट वी राउंड ऑफ रीडिंग, सेकंड राउंड ऑफ रीडिंग, नोट्स कब बनाया जाए एग्जैक्टली? नोट, देखिए पहले आपके फाउंडेशन प्रिपेयर हो जाए, तो एनसीईआरटीज एक बार कवर हो जाए, देन यू शुड गो टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एक बार उसको एनालाइज करिए सिलेबस के साथ लेकर के, एंड देन यू शुड कम टू दी रेफरेंस बुक्स. अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई कोचिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, कोचिंग करते हैं तो उसमें फायदा यह होता है कि क्लास में आपको कई सारे हैंडआउट्स मिलते हैं और नोट्स भी मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स, डिक्टेशन के थ्रू. दैट इज गोइंग टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग नोट्स. लेकिन अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो नोट मेकिंग प्रोसेस है ना, दैट शुड बिगिन ओनली आफ्टर यू हैव एनालाइज द पीवाईक्यूज एंड ओनली आफ्टर यू हैव रेड द एनसीईआरटीज. फिर उसके बाद आप रेफरेंस मटेरियल पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल मॉडर्न इंडिया के लिए सतीश चंद्रा, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एल मुखर्जी एंड नॉर्मन लो, एंड फिर यहाँ से इन अकॉर्डेंस विद दोस क्वेश्चंस आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं. एंड जो नोट्स होंगे ना आपके, वो फुली फिनिश्ड प्रोडक्ट कभी नहीं बन के निकलेंगे, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्रोडक्ट दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग बिल्ट, यानी कि हमेशा उसको इवॉल्व होना चाहिए, राइट. उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए, दे शुड बी परमानेंटली फ्लेक्सिबल.
क्योंकि एज द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज ग्रोज एंड एज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज रेफरेंस मटीरियल्स एंड योर अप्रोच टूवर्ड्स द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चेंजेस, आप जो आर्ग्यूमेंट्स ऐड करते हो, जो फैक्टॉइड्स ऐड करते हो अपने आंसर्स में, दे आर गोइंग टू बिकम रिचर। तो अगर आपने बहुत रिजिड नोट्स बना दिए जिसमें या तो कुछ आप निकाल ना पाओ या फिर उसमें कुछ ऐड ना कर पाओ, तो वो काम के नहीं होंगे। एंड व्हाट विल एंड एंड अप व्हाट यू विल एंड अप डूइंग इज कि दोबारा से पूरे के पूरे नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आप मजबूर अपने आप को महसूस करोगे। एंड इसीलिए नोट्स में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट होता है, राइट? सो मेरा ये सजेशन है कि एक बार फाउंडेशन कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद एज यू गो थ्रू वन चैप्टर बाय द नेक्स्ट, आपको साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए रेफरेंस मटेरियल के साथ। अ कपल ऑफ अदर क्वेरीज वी हैव, एनसीईआरटी बुक्स 6th to 10th आर नीडेड टू स्टडी और सिलेक्टेड बुक्स और सिलेक्टेड क्लासेस नीड टू बी रेड, व्हाट डू वी डू दैट मेक्स अस स्ट्रांग इन हिस्ट्री। देखिए, अगर हिस्ट्री से पहले कभी कोई वाकया नहीं रहा है तो फाउंडेशनल लेवल से शुरू करिए, क्लास 6 से क्लास 10 तक फाउंडेशन बनता है आपका, प्रिपेयर होता है, एंड देन मोर स्पेसिफिसिटी यू गेट विद क्लास 11 एंड 12। तो क्लास 6 से क्लास 10 तक पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, एट मोस्ट इफ यू आर अ बिगनर यू विल रिक्वायर 2 weeks, ठीक है? तो 2 हफ्ते दे करके उनको प्रिपेयर कर लीजिए, एंड देन दो हफ्ते दे करके क्लास 11 और क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी योर रियल फाउंडेशन, राइट? एंड देन यू कैन ग्रेजुएट ऑन टू योर रेफरेंस बुक्स, क्योंकि वहां से आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाता है व्हाट टू एक्सपेक्ट इन विच टॉपिक, क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं, व्हाट आर द मेजर कॉन्ट्रोवर्सीज, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर, एंड बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में एनालाइज कर रहे होंगे, तो आपका फोकस अपने रेफरेंस मटीरियल में किधर होना चाहिए, तो दैट यू कैन गेट। यू हैव बीन रेफरिंग टू रंजन चक्रवर्ती फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री थरली, what would be your suggestion, though I refer other books, topic centric, right? तो मेरा इसमें suggestion ये है RK Suman, that जो आपने already prepare किया है ना, you should not be discarding that, rather you should be using that to build up, to enrich your preparation. तो रंजन चक्रवर्ती is also a very well written book, हाँ उसमें कहीं कहीं पे थोड़े gaps रह गए हैं, तो coverage पूरा नहीं हुआ है, right? And for that you may refer to other works such as L. Mukherjee or Norman Lo. And secondly, जब आप एक के बजाय दूसरा या तीसरा सोर्स पढ़ना शुरू करते हो ना, नए पर्सपेक्टिव्स आपको आपको दिखने लगते हैं, एंड इट इज दिस रिचनेस ऑफ पर्सपेक्टिव दैट इज गोइंग टू एड यू वाइल राइटिंग आंसर्स। एंड फाइनली आपको जब इवेल्युएट किया जाएगा ना, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ द थर्नेस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स। तो आपके आंसर्स में वो चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, एंड रिफ्लेक्ट तभी होंगी जब कई बार आपने उसको रिवाइज किया है और आपने उसको पूरे प्रोसेस को इंटरनलाइज कर लिया है। सो इफ यू हैव बीन रेफरिंग टू रंजन चक्रवर्ती फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, कीप अप विद इट। मैं बस ये बोलूंगा कि जहां पे वो गैप्स रह जाते हैं ना, गैप्स रह जाते हैं वहां पर, for overcoming those rely upon the other reference material, all right? Then IGNU material can be skipped for modern history. I would suggest that you should skip it, क्योंकि शेखर बंदोपाध्याय अपने आप में काफी complete एक resource है, and that is why पहले बोलते थे लोग, इंसिस्ट करते थे कि IGNU material बहुत important है modern history के लिए भी, but in my estimation it is not so important. वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया और मेडिवल इंडिया के लिए यस, IGNU मटीरियल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट नॉट सो मच फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। अब अगर IGNU अपना मटीरियल अपडेट करता है इन द कमिंग फ्यूचर, देन प्रॉब्ली माई एडवाइस वुड चेंज, बट फॉर नाउ आई वुड सजेस्ट कि उसको स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देन डू वी कीप एडिंग न्यू नोट्स एवरी टाइम वी हैव कम अक्रॉस अ न्यू टॉपिक इन द अदर सोर्सेज, एंड हाउ टू डू दिस? सो मेरा सजेशन ये रहेगा दैट आप अपने नोट्स के 2 कॉपीज बना के रखिए, एक फिजिकल कॉपी, एक डिजिटल कॉपी। इवन दो आप नोट्स अपने ज्यादातर पेपर पे ही बनाओगे, लेकिन अगर आप उसका डिजिटल कॉपी रखते हो ना, तो देन यू विल बी एबल टू एड मटेरियल, इंसर्ट मटेरियल विद इन इट। आप वहां से कुछ मटेरियल को हटा भी सकते हो, एंड
अगर आपने पहले गो में नोट्स अच्छे प्रिपेयर किए हुए हैं, देन जो आपका रिविजन वाला एक्सरसाइज होगा ना, वहां पे क्या होगा, दैट यू आर गोइंग टू बी एडिंग न्यू पर्सपेक्टिव टू योर नोट्स. ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली एक नया टॉपिक कवर करोगे उसमें, तो उससे रिलेटेड कोई एक डिबेट आप उसमें ऐड कर दोगे या फिर कोई एक आर्ग्यूमेंट ऐड कर दोगे, और इफ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट यू हैव कम अक्रॉस विच रिक्वायर्स स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिबेट दैट यू हैड नॉट कवर्ड प्रीवियसली, तो वो आप उसको ऐड कर दोगे. और यू मे वॉन्ट टू ऐड नोट्स लेटर ऑन दैट हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स. ठीक है, तो एक तरफ प्रिपरेशन होता है कि आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर राइटिंग आंसर्स. दूसरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो हायर लेवल ऑफ प्रिपरेशन होता है, दैट यू आर गोइंग टू बी एबल टू डू वंस यू हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट विद द सब्जेक्ट, इज कि आप अपने पूरे सिलेबस को क्वेश्चन पेपर के थ्रू रिवाइज करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करोगे, राइट. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस नाउ, यू विल फाइंड कि कई सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, और अगर वर्बेटिम रिपीटेड नहीं है तो दे रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विच वर रिक्वायर्ड इन अदर क्वेश्चंस एज वेल. तो आपको स्निपेट्स निकाल करके वहां पे ऐड करने पड़ेंगे. तो एक आर्ग्यूमेंट हो गया, दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया, तीसरा आर्ग्यूमेंट हो गया, राइट. सो कीप योर नोट्स फ्लेक्सिबल, मेरा सजेशन आपके लिए ये होगा. And one way in which you can do that, if you don't want to digitize your notes, is कि spiral bound book में या फिर किसी bound register में आप अपने notes ना बनाएं, आप loose A4 sheets पे अपने notes बनाएं, right? And that is going to allow you to insert new things. Secondly, margin to margin ना लिखें, keep a section of your notes blank so that you can add new material in it whenever needed. ठीक है, so that is how I think you can insert new material when it comes to note making. ठीक है, चंद्रलेखा, अभिराम, I hope I have answered your queries. Sir, I have two comments to add if you. हाँ sir. About one is about Ranjan Chakravarti book. हाँ sir. I'll be very honest. I like the book very much. For two reasons. One reason is that it gives us lots of quotes, and we have observed in the past that those quotes have been asked directly as questions by UPSC. And there is one important point that the same author had written a book on modern India around 20-25 years ago. That book today is outdated. But at that time, during 2001, 2003, it was a very good book because we observed that for 4 or 5 years continuously, UPSC asked questions from modern India. Yes. Now that book is gone, that era is gone, questions don't come from there. But the similar phase was occurring with the world history book of the same author in last few years. Achha, toh hope is ki unka magic dobara chalega. That is one book. Kar rahe hain ki Dhoni ka magic IPL mein chalega. But there is a limitation of the book, as you correctly identified, is that that book doesn't cover the history of the post World War II very well. Actually, not at all. नहीं करता है sir. Yes, if you observe, at least 3-4 questions come in world history from the post World War II era. It could be Cold War, could be decolonization, could be China, could be Russian disintegration, American ascendancy, lots of things are there. उस किताब में है ही नहीं, तो that is a big problem with the book. Yes sir, मेरा भी उसका यही assessment है कि उसका coverage अच्छा है and writing बहुत simple language में है, तो मतलब इस तरह का language use किया गया है कि आप directly वहाँ से copy paste कर सकते हो कई चीजें अपने answer में, तो point wise कई चीजें explain करी हुई, तो that is very good. लेकिन वही है कि coverage थोड़ा light, मतलब जितना breadth चाहिए कवरेज का और जितना depth चाहिए probably उतना ज्यादा नहीं देता है, तो several gaps are remaining. तो उन gaps को overcome कर, but उन gaps के बारे में पहले पता होना चाहिए ना, तो that is going to come only through analysis of the previous year's questions. And एक बार वो identify कर लेते हैं कि gaps क्या हैं, then we can supplement that Ranjan Chakravarti with these other sources. Right. Alright. Now I have a couple of more queries to go through. Adding current affairs also becomes necessary. Current affairs necessary hai, but not from the perspective of optional preparation. Haan, keeping an eye on current affairs is important in order to anticipate ki kaun se topics is saal ke paper ke liye important hain,
but it is not necessary to add current affairs notes to your notes particularly. ठीक है, आपके GS prelims के लिए important हो सकते हैं लेकिन optional के लिए नहीं. Okay sir, but how would I know the gaps in those topics as I have chosen history optional? No background there. I can't refer to many books as source. Balians are not being my basics. I lack that perspective. Right. देखो problem ये है ना कि आपने एक standard reference material को नहीं choose किया है, आपने किसी coaching के notes को choose किया है. Although I am sure कि notes की quality काफी अच्छी होगी, coverage भी काफी अच्छा होगा, but उसमें भी ना कई बार gaps रह जाते हैं. क्लासरूम के अंदर जो टीचर आपको बताता है, एक्सप्लेन करता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल दोज डिस्कशंस आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर क्लास नोट्स ओनली. ठीक है, तो बालियान सर के जो नोट्स हैं मार्केट में अवेलेबल, मैंने भी देखे हुए हैं, वो हैंड रिटन क्लास नोट्स हैं, प्रॉब्ली दोज आर दी वंस दैट यू आर रेफरिंग टू. उसमें प्रॉब्लम्स दो हैं, एक तो वो 2016 का कॉपी है, राइट, तब से अपडेट नहीं हुआ है. देर आर मेनी न्यू डिबेट्स, मेनी न्यू आर्ग्यूमेंट्स दैट हैव बीन एडेड सो फार. एंड सेकेंडली मैंने उनका ऊपर से ही पेरियूज करके नोट्स देखे थे, तो आई फाउंड कि उन्होंने कवरेज तो पूरा करा हुआ है, तो यानी कि सिलेबस के सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं कवर किए, राइट. एंड प्रॉबेबली द बेस्ट वे यू कैन असेस योर own understanding and identify कि gaps कहाँ रह गए हैं, again वही PYQs का analysis करना है कि on the basis of the knowledge that you already have, how many of the questions are you able to solve to your own satisfaction. Examiner के satisfaction की बात तो छोड़ दीजिए, आप satisfy हो जाएं उतने depth में कितने questions आप solve कर पा रहे हो, right? If that number is less than 70%, then there are significant gaps, क्योंकि your optional is very different from your prelims preparation. Prelims में होता क्या है कि 60% 70% questions attempt करके आओ, there is a good chance that you may succeed, you may clear the cutoff. लेकिन optional में ऐसा आपके पास scope नहीं होगा, right? Optional में जितने भी questions आप attempt कर रहे हो, you are trying to put your best foot forward and you should be able to solve those questions, to answer those questions in a manner that sets you apart from the other candidates. Right, so that is my suggestion ki previous year's questions ko pehle analyze kariye and ek honest assessment kariye ki aapke preparation mein kitne aur izafa karne ki zarurat hai, and once you do that then you will probably understand the need to expand the sources that you are referring to. Right, how to deal with quotes that frequently come in modern history. Can you give some more clarity on how to include debates and answers, like taking up a question from previous year? Ye jo aapke do queries hai na, Nikhil sir is going to be dealing with those directly. So I'll be waiting for him to begin his discussion. All right, Chandralekha. How to know make notes permanently flexible? Should we use digital medium for note making or handwritten notes will have an advantage? Now, handwritten notes को भी आप digitize कर सकते हो, right? उसको scan करके उसका एक scanned copy आप हमेशा prepare करके रख सकते हो. तो obviously preferred medium handwritten notes होने चाहिए, because after all जब आप लिखते हो ना कलम से कागज के ऊपर, तो आपका एक muscle memory भी develop होता है. You will be able to recall exactly कि मैंने कौन सा फ्रेज लिखा था, किस पेन से लिखा हुआ था, किस हाइलाइटर से हाईलाइट किया, उसके पहले वाला पॉइंट क्या था, उसके बाद वाला पॉइंट क्या था, किस टॉपिक के अंदर मैंने डिस्कस किया था, और किस डिबेट के डिस्कशन के तहत मैंने इसको डिस्कस किया था, उसको नोट डाउन किया था, एंड इट विल हेल्प यू इन रिकॉल. सेकेंडली इफ यू आर एबल टू राइट गुड नोट्स, प्रिपेयर गुड नोट्स, एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो डेवलपिंग यूर स्किल टू लॉजिकली ऑर्गेनाइज डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू राइटिंग आंसर, बिकॉज लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूर पॉइंट्स इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से मेक और ब्रेक स्किल दैट यू आर गोइंग टू रिक्वायर फॉर आंसर राइटिंग. So obviously handwritten notes are to be preferred, लेकिन कई बार possible नहीं हो पाता है.
कि आपने एक हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर तो लिए हैं लेकिन उसको बार बार पूरा रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता. सो इन दैट केस व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप उसका एक कॉपी डिजिटाइज करवा लीजिए, स्कैन करके अपने आईपैड पर या फिर कंप्यूटर पर या फिर फोन पर ही उसको रख लीजिए. एंड देन वहां पे आप एनोटेशंस ऐड कर सकते हैं, राइट? यू कैन एनोटेट दोज हैंड रिटन नोट्स, द डिजिटाइज कॉपी ऑफ दोज हैंड रिटन नोट्स, कि आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा एंड या फिर एक बॉक्स में डाल करके आप कुछ नई इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ आई वुड सजेस्ट यू शुड प्रोसीड. एक सर मैं एक पॉइंट जोड़ दूं इसमें. हाँ सर बिल्कुल. सी व्हेनेवर वी मेक नोट्स वी हैव टू रिमेंबर द फाइनल डे ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ मेंस. तो मेंस का स्केड्यूल इज लाइक दिस दैट यू हैव आफ्टर द GS4 पेपर you have a gap of 5 days, and after that you have optional. That has been the consistent schedule for many many years now. So GS ke baad optional ke pehle aapko 5 din milte hain, and our objective should be to be able to revise the entire syllabus as far as possible in those 5 days at least once. So aapke notes aap 5 din mein kitna pad loge? To haan 15 20 kitabe to nahi utha ke kar sakta hai koi. Exactly. So you need to have one single set of notes. You cannot have your notes spread across different books. इस किताब में कुछ underline किया है, उस किताब से वो chapter, ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा. You need to have clarity over one single source from where you will read everything, and that source has to be your notes. And secondly, it cannot be very voluminous also, because मैंने अपने experience से देखा है कि we keep adding more and more nuances and facts over time. At the end of it, it becomes such a bulky note that it is not revisable. So you have to return भी नहीं मिलता है सर, क्योंकि आप उसको कई सारी चीजें 90% of the new stuff that you add, you are never able to incorporate in your answers, क्योंकि आपने उसको consolidate नहीं किया है. आपने केवल just for the sake of writing it, just to assuage your own sense of panic, आपने उसमें include तो कर लिया है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रिपरेशन अब और पुख्ता हो गया और सॉलिड हो गया, लेकिन उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते नोट्स में. नोट्स पे जाते दिमाग में नहीं जाता वो. बिल्कुल एग्जैक्टली सर. उसमें एक एक बेसिक तरीका ये होता है, यू शुड हैव सम काइंड ऑफ बेंचमार्क कि हाउ मेनी पेजेस यू कैन रिवाइज इन दोस 5 डेज. माय बेंचमार्क वाज दैट वी कैन जनरली टेक अराउंड 800 से 1000 पन्ने मैक्सिमम, दिन के 200 पन्ने 250 पन्ने मैक्सिमम आप पढ़ सकते हो फॉर रिविजन ऑफ दोस पेजेस जो आपने कई बार पहले पढ़ चुके हैं, राइट? सो आई वुड थिंक कि एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड सब जोड़ के if your notes are going beyond 1000 pages then it is not revisable. So that should be the uppermost limit. Uppermost, bilkul sir. And that is exactly the point that I was just about to come to. Historiography ka aspect Chandralekha Nikhil sir abhi discuss karenge. That is one of the 6 critical skills jo abhi discuss karne aayenge. And we'll be moving ahead now. Jaise abhi aapne bataya ki notes aapke manageable hone chahiye, to usko prepare karne ka tarika kya hai, let us discuss that. So note making mein 4 इंपॉर्टेंट चीजें समझनी जरूरी है. सबसे पहला कि नोट मेकिंग का पर्पस क्या होता है, कि व्हाई शुड यू बी मेकिंग योर ओन नोट्स अगर रेफरेंस मटेरियल, कई सारी टेक्स्ट बुक्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सॉल्व कॉपीज, ये सब अवेलेबल हैं, तो देयर इज इनफ मटेरियल. सेकेंडली, व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर मेकिंग योर ओन नोट्स, किसके बेसिस पे बनाना चाहिए, व्हाट आर द क्लूज दैट यू शुड बी लुकिंग आउट फॉर व्हाइल मेकिंग दोज नोट्स. थर्डली, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, नोट्स दैट यू प्रिपेयर, इसका इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, एंड फाइनली स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी चाहिए नोट्स बनाने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्पस ऑफ नोट मेकिंग. एक तो जैसे हम ऑलरेडी इस पे टच अपॉन कर चुके हैं कि नोट मेकिंग से एक मसल मेमोरी डेवलप होता है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इंटरनलाइज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन. एक चीज तो हो गई कि आपने क्लास में बैठ करके क्लास नोट्स देख लिए, बट अंटिल एंड अनलेस यू गो बैक होम, यू एनालाइज दोस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉडिफाई देम, ब्रेक देम अपार्ट, एंड देन रिकॉन्स्टिट्यूट देम इनटू इजिली रेप्लिकेबल पोर्शंस, स्निपेट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि आप अपने आंसर्स में अल्टीमेटली यूज कर सको, तब तक आपका पर्पस सॉल्व नहीं. तो पहला पर्पस है मसल मेमोरी डेवलप करना. सेकेंडली, अपने प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज करना और
टाइमली मैनर में कंप्लीट करने के लिए नोट मेकिंग से बेहतर एक्सरसाइज प्रॉब्ली नहीं हो सकती है, बिकॉज नोट मेकिंग एक प्रोसेस होता है विच गोज पैरेलली विद द कवरेज ऑफ योर सिलेबस, और अगर साथ साथ में चलता जाता है देन यू आर अश्योर्ड कि हाँ मेरा ये वाला टॉपिक, ये वाला सब टॉपिक, उसमें इतने सारे क्वेश्चन, ये सब कवर हो गया एंड देन यू विल बी एबल टू मूव अहेड। तो लॉजिकली ऑर्गेनाइज मैनर में आपको अगर अपना सिलेबस कवर करना है तो नोट मेकिंग से बेहतर टूल कोई नहीं है। एंड फाइनली प्रिपेयरिंग नोट्स, पर्सनल नोट्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग दोज बिल्डिंग ब्लॉक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको केक बनाना हो और उसमें वनीला फ्लेवर डालना हो तो आप वनीला प्लांट हार्वेस्ट करने नहीं जाओगे ना, आप वनीला का एसेंस यूज करोगे, या फिर किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हो और पालक पनीर ऑर्डर करते हो तो ऐसा तो होता नहीं है कि पहले वो पालक का ग्रेवी प्रिपेयर करता है, टमाटर काटता है, प्याज काटता है, मसाला बनाता है, उसके पास ये सारी चीजें होती हैं ऑलरेडी, वो केवल उस पे तड़का लगा करके आपको सर्व कर देता है। दैट शुड बी द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन ऑन द ईव ऑफ एग्जामिनेशन एंड दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल इफ यू डू नॉट हैव प्रॉपर नोट्स। सेकेंडली बेसिस क्या होना चाहिए अपने नोट्स बनाने का? So first of all, you'll have to consult the different sources in association with the previous year's question papers. Previous year question paper का यहाँ पर role क्या होगा कि आपको help करेगा in analyzing the different sources कि उनको किस approach, किस तरह से आप perceive करो और उनमें से कौन से relevant arguments or facts अपने notes में आप include करो and most importantly क्या चीज आपको इंक्लूड नहीं करनी है, तो रेफरेंस मटेरियल में से किन चीजों को आप एलिमिनेट, किन चीजों को आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए, दैट इट इज गोइंग टू लेट यू। एंड द थर्ड बेसिस शुड बी अ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल नैरेटिव। अब देखो हिस्ट्री एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इज अ प्रोसेस, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डेवलप होता है, इकोनॉमी में चेंज होता है which triggers a change in the polity, which may trigger a change in the society and culture, which may have a feedback effect on the economy as well. Similarly, a change in the polity, political system may also change the economy. और इस तरह का जो historical narrative का जो churning होता है, इसको appreciate करना बहुत जरूरी होता है, right? अगर आप ये नहीं करते हो देन यू आर गोइंग टू फोकस अपॉन इवेंट्स, प्लेसेस, नेम्स एंड डेट्स फ्रॉम दोज रेफरेंस मटेरियल, राइट। लेकिन अब क्वेश्चंस इस तरह के आ रहे हैं विच आस्क यू टू शेड लाइट अपॉन दीज हिस्टोरिकल चेंजेस, तो हिस्टोरिकल चेंज के इस प्रोसेस को हमेशा आपको अपने नोट्स में रिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया है, इसी तरह के कई सारे और प्रोसेसेस होते हैं विच यू शुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन योर नोट्स, राइट। एंड क्वालिटीज क्या होनी चाहिए आपके नोट्स की? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी कि कोई भी टॉपिक या सब टॉपिक उसमें से मिसिंग नहीं होना चाहिए। सेकेंडली जैसे अभी निखिल सर ने बताया कि कंसाइज होना चाहिए, मैनेजेबल लेंथ का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप मेंस एग्जामिनेशन के पहले जो 4 या 5 दिन मिल रहे हैं उसमें पूरा का पूरा सिलेबस एक बार कंफर्टेबली रिवाइज कर लो। थर्डली एनालिटिकल होना चाहिए, राइट। एनालिटिकल का मतलब केवल फैक्चुअल नहीं होना चाहिए एंड उसमें क्रिटिकल एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए। एंड व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी, फॉर एग्जांपल लेट अस से पेजेंट मूवमेंट्स, इन कॉलोनियल पीरियड, तो एक तो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो सकता है या फिर क्रोनोलॉजिकल एनालिसिस हो सकता है। यू सिंपली कंडक्ट अ सर्वे ऑफ द डिफरेंट पेजेंट मूवमेंट दैट हैव टेकन प्लेस थ्रू आउट कॉलोनियल पीरियड एंड दैट सर्वे इज गोइंग टू बी योर क्रोनोलॉजिकल एनालिसिस। देन your thematic or qualitative analysis in which you try to identify the different characteristics of these peasant movements and how they changed over time. And finally,
योर इंडक्टिव और कॉजल एनालिसिस. तो इंडक्टिव और कॉजल एनालिसिस भी आप एक माइक्रो लेवल पे कर सकते हो, एक मैक्रो लेवल पे कर सकते हो. तो व्हाट वर दी जनरल कॉजेज फॉर पेजेंट मूवमेंट्स, व्हाट वर देयर इफेक्ट्स, व्हाट वर दी स्पेसिफिक कॉजेज फॉर दी मूवमेंट ऑफ दी फॉर दी फरेजी मूवमेंट और दी इंडिगो रेबेलियन और दी डेक्कन एग्रीकल्चरल रायट्स, एंड उसका स्पेसिफिक इफेक्ट क्या पड़ा, राइट? तो इस तरह के एनालिसिस को आपको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी चाहिए. फोर्थली, योर नोट्स शुड हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जाम ओरिएंटेड. इट शुड नॉट बी अ सिंपल कॉपी एंड पेस्टिंग ऑफ योर रेफरेंस मटेरियल्स, कि वहां से आपने कुछ लिटरेचर वोकैबुलरी उठाया, यहां पे पेस्ट कर दिया. दैट इज नॉट गोइंग टू बी सफिशियंट. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के एनालिसिस के बाद यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हर टॉपिक में से किस तरह का इंफॉर्मेशन और कौन सा इंफॉर्मेशन जरूरी है. दैट यू शुड इंक्लूड इन योर नोट्स. एंड फाइनली, इट शुड बी फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल कैसे बनाना है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? एंड फाइनली, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए. तो आई थिंक कि दो तरह के नोट्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए. एक तो आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगे, जैसा अभी निखिल सर ने बताया कि अ मैक्सिमम ऑफ 1000 पेजेस वर्थ फॉर ऑल द फोर सब्जेक्ट्स. तो एक तो ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होने चाहिए, और दूसरे नोट्स होने चाहिए सिनॉप्टिक नोट्स. ये मैक्सिमम 150 से 200 पेजेस में आपके कवर हो जाने चाहिए. दिस विल कंसिस्ट ऑफ अ समरी ऑफ ऑल योर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स. एज अ लेट अस से एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कुछ नोट्स इंक्लूड किए हुए हैं. टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. इट हैज बीन अ मैटर ऑफ डिबेट. वेरियस थ्योरीज हैव बीन सजेस्टेड. फॉर एग्जांपल, मॉर्टिमर व्हीलर की आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ दिस थ्योरी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस थ्योरी हैव बीन गिवन. कंक्लूजन में क्या है, इट हैज लार्जली बीन डिस्कार्डेड. देन सम अदर थ्योरीज, थ्योरीज रिलेटेड टू क्लाइमेटिक, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. इसमें भी दो तरह की थ्योरीज हैं, थ्योरीज एसोसिएटेड विद सडन डिक्लाइन, थ्योरीज एसोसिएटेड विद ग्रेजुअल डिक्लाइन. तो इन थ्योरीज का सबका सर्वे किया गया है. व्हाट एग्जैक्टली डू दिस थ्योरीज से, हु आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरीज, क्या एविडेंस यूज किया है इन्होंने, राइट? सो दैट वी डू. देन वी हैव वॉल्टर ई फेयर सर्विस, हु हैज पॉइंटेड आउट दैट प्रोबेबली इकोलॉजिकल इम्बैलेंस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. एंड किस तरह से उसने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ने अफेक्ट किया हरप्पन को, विच रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ द अर्बन फेज. श्रीन रत्नागर हैज टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस हरप्पन ट्रेड विद मेसोपोटेमिया, विच वॉज द मेन लाइफ फोर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. तो जब ये ट्रेड डिक्लाइन हुआ तो सिविलाइजेशन भी डिक्लाइन हो गया. एंड फाइनली, डी के चक्रवर्ती हैज कम आउट एंड सेड दैट हमें ये डिक्लाइन जो वाला पैराडाइम है, फ्रेमवर्क है, इसी को डिस्कार्ड कर देना चाहिए. रादर डिक्लाइन की तरह नहीं, इसको हरप्पन सिविलाइजेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देखना चाहिए. दैट हरप्पन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द मैच्योर फेज वाज इन इट्स अर्बन फेज, एंड पोस्ट हरप्पन फेज में पोस्ट अर्बन फेज में चला गया. तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वुड डिसअपियर, ट्रेड एंड कॉमर्स की जगह एग्रीकल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. लार्ज सिटीज आर गोइंग टू गिव वे टू रूरल सेटिंग. The use of the Harappan script is going to disappear, and cultural unity which characterized the Harappan civilization, that is going to be replaced by regional diversity, right? So, इस तरह के आप comprehensive notes आपको prepare करने चाहिए, so that you may be able to attempt questions. For example, highlight the problems associated with the theories of sudden decline of the Harappan civilization. Full stop. Present coherent analysis of the process of Harappan decline. Right? Now, although this question has not been answered directly in these notes, but
these snippets, the information present in these notes will be will allow you to answer this question. ठीक है, so इस तरह से आपका preparation होना चाहिए. तो इस तरह से आपको comprehensive notes prepare करने चाहिए and उन्हीं comprehensive notes का आपको एक synopsis prepare करना चाहिए. Synopsis किस तरह का? That the decline of the Harappan civilization is a matter of historical debate. Aryan invasion theory given by whom? Supporting arguments क्या है? Arguments against क्या है? Decline due to climatic and ecological factors. दो तरह के, sudden demise and gradual decline. Then ecological imbalance, voluntary fair service. Decline due to decline of long distance trade. Shirin Ratnagar. Redefinition of the entire process of decline by D.K. Chakravarty. And इस तरह से आप पूरे के पूरे टॉपिक को समराइज कर सकते हो. एंड एट द टाइम ऑफ रिविजन, स्पेशली इफ यू हैव ऑलरेडी रिवाइज दिस मल्टीपल टाइम्स, जैसे जैसे आप ये सिनॉप्टिक नोट्स को पढ़ोगे ना, द कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दैट यू प्रिपेयर्ड, दे आर गोइंग टू शाइन वेरी ब्राइटली इन द बैक ऑफ योर माइंड. सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो इससे एसोसिएटेड होगा, that is going to reveal itself to you once again. So quick revision ke liye these are the best tools. So mera suggestion ye hai ki aapko is tarah ke do sets of notes prepare karne chahiye, ek comprehensive aur ek synoptic, right? Now are there any queries with regards to note making? किस तरह के नोट्स होने चाहिए, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, बेसिस क्या होना चाहिए, कहां से बनाने हैं? नो डाउट्स? ऑल राइट देन. सो इन दैट केस आई शैल बी हैंडिंग ओवर द रेन्स टू निखिल सर, who is going to conduct the rest of our discussion now, right? Okay, can I? Okay, I can share the screen now. Haan, sir. Just a moment. Please tell about reference books. Reference books, हमने वही जो अभी discuss करे थे, ancient, medieval, modern और world history के लिए, वही वाले cover करने हैं आपको. Notes. To make notes. ठीक है, am I visible? हाँ सर, the screen is visible. Just give me one second, sir. एक doubts आए हैं. Note should have PYQ orientation or not? So obviously PYQ orientation के बिना आपके notes incomplete रहेंगे. और अगर incomplete नहीं होते हैं, तो उनका utility बहुत ज़्यादा नहीं होगा. So to make your notes as effective as possible, you should be preparing your notes after having gone through all of the previous year's question papers. एंड जो आपका नोट्स डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रहा है, उन पी वाई क्यूज को आपको स्पेसिफिकली अलग से एक बॉक्स बना करके, एक नया सेक्शन बना करके एड्रेस करना चाहिए. राइट सम्राट, रेफरेंस बुक्स वही हैं जो हमने पहले डिस्कस करे थे. कोचिंग नोट्स तभी प्रिपेयर फॉलो करने चाहिए जब आपके खुद के बने हुए नोट्स, राइट, खुद अपने क्लास में बैठ के बनाए. अदरवाइज एक डिग्री ऑफ सेपरेशन रह जाता है बिटवीन द नोट मेकिंग प्रोसेस एंड द प्रिपरेशन प्रोसेस, राइट, तो दोनों एक साथ पैरेलली नहीं चल पाते. ऑलराइट, थैंक यू सर. या एम आई ऑडिबल एवरीबॉडी? आई See, looking at the comments, I think I will have to shift to the second or the fifth skill before coming to the fourth skill. Historiography pehle baat kar lete hain, then we'll come back to answer writing. The sequence will be more logical as well as per the demands. So I'll go ahead first. Historiography. You see, I want to tell all of you first that what is the reason that we have to study historiography. In history optional, and it is not value addition, it is not for value addition, it is the very core of history. Isko aap main, I want to repeat it, but you should make, I want to make it register. Historiography is not for value addition, it is the core
इन मेनी केसेस आई एक्सप्लेन हाउ. कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जब आता है, व्हेन लुक एट द क्वेश्चन वी नीड टू डिकोड द क्वेश्चन. टू डिकोड द क्वेश्चन यू शुड नो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड क्वेश्चन, व्हाई डज द क्वेश्चन एग्जिस्ट, एंड दैट कैन बी इंटरप्रिटेड ओनली व्हेन यू नो व्हाट इज द डिबेट बिहाइंड इट, व्हाट इज द इशू बिहाइंड इट, एंड द इशू इज जनरली मोर ऑफन देन नॉट हिस्टोरियोग्राफिकल. आप क्वेश्चन को ही कई डिवाइड कर सकते हो. इन सम क्वेश्चंस द कॉन्सेप्ट विच इज हिस्टोरियोग्राफी रिलेटेड इज वेरी सेंट्रल, एंड इन सम अदर क्वेश्चंस इट इज पेरिफेरल. तो एटलीस्ट इफ यू मेक द टेबल ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, आई हैव प्रिपेयर्ड अ टेबल ओवर हियर, यू कैन सी दैट वेयर यू विल सी दैट इन द 2023 क्वेश्चन पेपर विच ऑफ द क्वेश्चंस कंटेंड वेरी कोर एट इट्स कोर हिस्टोरियोग्राफी. And around 50% plus questions come to that. The proportion may not remain the same every year. Sometimes it could be 30%. Sometimes it could go up. Sometimes some questions might not necessitate you to go into debate, but you can still write a sufficient answer. So, सबको छोड़ के generally 40-50% questions tend to have some major historiography connected to it. अगर आपको पता चल जाए, तो आपका answer बड़ा सरल हो जाता है. That is one. So to interpret the question, you need to know historiography. Secondly, to be able to take a stand on that question, historiography is not dropping of names. कि इसने ये बोला, उसने ये बोला, चार लोगों ने क्या बोल दिया, हो गया. इसको historiography नहीं बोलते. I have seen many people who make the list of the quotes of historians. I have seen many people who make the list of the opinions of historians and views and then try to put that in the answer. इस तरह external ornamentation की तरह आप अगर historians जोड़ोगे तो उससे answer नहीं बनता है. It doesn't beautify the answer. Sometimes in some simple questions it may work out. But by and large when we discuss historiography, we mean the very core issue. वो issue exist ही क्यों होता है. तो पहली बात तो हिस्टोरियोग्राफी इज नॉट फॉर नेम ड्रॉपिंग, इट इज फॉर इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन, इट इज फॉर टेकिंग द करेक्ट स्टैंड व्हाइल राइटिंग द आंसर. दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट. देन इन सम क्वेश्चंस इट इज वेरी सेंट्रल, इन सम क्वेश्चंस इट कुड बी पेरिफेरल. लेट मी गो टू अगेन द सेम पेपर ऑफ 2023 एंड ट्राई टू गो थ्रू सम इनिशियल क्वेश्चंस सो दैट यू गेट सम आइडिया. लुक एट दिस 2023 पेपर 2. The very first question, colonialism had a twisted logic of its own for commercialization. It emerges on analysis to have been often an artificial and forced process. अब ये सवाल क्या है? We might think कि अच्छा, it is about commercialization of agriculture. वो तो है ही, that is very true. But the historiographical debate over here is what is the exact nature of commercialization? Is it voluntary? Is it forced? If it is forced, what kind of force? That is the debate amongst historians. British always claimed that they are the modernizers. They are the progressive force and they have brought in commercialization for the benefit of Indian peasant. So ideally in some other country which is not colonized, ye to achhi process. It is inevitable process. It would have its own consequences. But because in case of India, it happened under colonial consideration, it was twisted. So twisted logic of its own, matlab commercialization per se is not bad, as British historians have always claimed. But under colonial condition, it got twisted. And then how was it twisted? So it was not voluntary. It was forced. It did not lead to the outcomes that were expected. Achha, forced agar hai, to kis tarah forced hai? Then the nationalist historians would say कि भाई it is physical force, लठिया लाते थे जमींदारों के और कहते इंडिगो उगाओ, या फिर you would have some other method by which I'll come to the comments in some time, or you would have some other method by which they would make you force, like taking loans. So there is a necessity of debt because revenue is there. तो एक फोर्स हो गया आपका फिजिकल फोर्स, एक हो गया आपका रेंट की वजह से फोर्स, एंड उसके बाद उसके अलग अलग शेड्स हो जाते हैं. बट अगेन ऑल दोस पॉइंट्स आर आल्सो शोन टू बी नॉट ऑलवेज वेरी ट्रू. यू हैव मेनी केसेस लाइक चिनाब कैनाल कॉलोनीज फॉर एग्जांपल, जहां पे आप देखोगे कि एक्चुअली इट बेनिफिटेड सम पीजेंट्स, एक्चुअली इट वॉज वॉलंटरी इन सम पॉकेट्स. देन हाउ डू यू से इट इज आर्टिफिशियल एंड फोर्स्ड? तो यू हैव टू यहाँ पे कम विद द लेटेस्ट मॉडल्स which are given by many historians like Amit Bhaduri, what kind of forced
the nature of force that was used in commercialization. So this question at the very core is about the type of force that was used and how to analyze it economically. The question without understanding of इसमें आपको किसने क्या कहा उसके चार नाम देने की जरूरत नहीं है. इट्स अबाउट डू यू अंडरस्टैंड द डिबेट. सो हिस्टोरियोग्राफी इज माय फर्स्ट पॉइंट इज इट्स अबाउट कॉन्सेप्ट. इफ यू हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हिस्टोरियोग्राफी बिकम्स वेरी इजी वेरी नेचुरल वेरी लॉजिकल. टेक द सेकंड क्वेश्चन इटसेल्फ. आफ्टर द 1857 द पीजेंट्स इमर्ज एज द मेन फोर्स इन अग्रेरियन मूवमेंट. अब इसमें आपको क्या लग रहा है दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हिस्टोरियोग्राफी बट इन अ डिफरेंट. क्या पहले नहीं थे बिफोर 57 नहीं थे तो आफ्टर 57 क्या हो गया. तो वेन एवर यू हैव सच क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू डिस्कस व्हाट यू आल्सो हैज टू आस्क व्हाई एंड व्हाट चेंज्ड इन द नेचर ऑफ कॉलोनाइजेशन आफ्टर 57 दैट मेड द पीजेंट्स द मेन फोर्स. तो आपको लैंड टेन्योर स्ट्रक्चर लैंड रेंट स्ट्रक्चर प्री एंड पोस्ट 57 कैसे चेंज हुआ है दैट इज वन. एंड इन दैट पीजेंट का जो इमीडिएट ऑपरेसर जमींदार है विजेवी पीजेंट का जो अल्टीमेट ऑपरेसर कॉलोनियल स्टेट है इनमें रेवेन्यू प्रोपोर्शन कैसे शिफ्ट एग्जैक्टली अपसाइड डाउन हो रहा है दैट विल गिव यू द आंसर. सो यहाँ पे भी द आंसर विल नॉट बी सफिशिएंट व्हेन यू जस्ट लिस्ट द नेम्स ऑफ पीजेंट रिवॉर्ड्स. वो लिस्टिंग तो करना ही है. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स बट उसके बाद वी हैव टू गो इनटू सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाट हैपेंड आफ्टर 57 एंड हु आर द हिस्टोरियंस टॉकिंग अबाउट इट. इफ यू डोंट रिकॉल हिस्टोरियन डजंट मैटर. यू कैन राइट हिस्टोग्राफी विदाउट इवन रिमेंबरिंग द नेम्स ऑफ हिस्टोरियंस. पॉइंट इज वेदर यू नो द इशू और नॉट. एंड लाइकवाइज यू कैन गो टू मेनी क्वेश्चन. लेट मी कम बैक टू द पीपीटी हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सेंट्रल डिबेट. इन फर्स्ट टू क्वेश्चंस डिबेट वाज वेरी सेंट्रल. And sometimes you have peripheral historiography, जहाँ पे the question is of a very simple type, explain or elucidate, where you don't have to go into historiography as such, you have to take the stance as given, yet you might sometimes use some name dropping, that's all. Now my point is that the debates that UPSC asks are not invented by UPSC. They already pre-exist in many books, in academia, amongst historians. So don't try to create new debates from your own mind. UPSC bhi khud nahi karti hai. Debates are not invented. Just aapko lag raha hai koi nationalist jod do, koi Marxist jod do, jhagda laga do, answer ban jayega. Aise nahi hota hai. Specific issues ke debates bane banaye hote hai. They exist in the analysis of many historians. I'll give an example. Let us take this case of Subaltern School. Subaltern School ka naam aajkal bahut hai. Now, when we think of subaltern school, what we think of is peasant and tribal revolts. Well, that is the very main thing, no doubt. In the peasant and tribal revolts, we have to use subaltern schools, but subaltern school is applied much more beyond that. Discourse analysis may ho kahi jaga. The second area of application of subaltern school is about how Indian nationalism emerged. And uska specific angle hai mass nationalism, we come to role of Gandhi. So whenever a question on the kind of Gandhi's leadership comes, you have a very major scope of using subaltern school. Wo by default hoga kyunki subaltern school Gandhi leadership ko analyze karta. Not only Gandhian leadership, it analyzes all the middle class leadership and their relationship with the masses. So first is peasant and tribal revolt jahan pe use karte hi karte hain. Second is a kind of leadership that emerged in the national phase. उसके बाद तीसरी बात है उसी का एक एग्जांपल देख लो. आई विल सी एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको ऊपर से लगेगा भी नहीं कि एक क्वेश्चन सबाल्टर्न का है बट वो है. यूपीएससी ने दो तीन बार पूछा है द क्विट इंडिया मूवमेंट. द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन. दिस इज अ टिपिकल सबाल्टर्न क्वेश्चन. व्हेन यू से स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन हम समझते हैं अच्छा मतलब लीडरशिप पूरी जेल में कैद थी बंद थी लोगों ने अपने आप से किया. कैन पीपल डू द एंटायर मूवमेंट ऑन देयर ओन. इफ दे कैन डू इट if you justify the stand that subaltern that Quit India movement was a spontaneous revolution agar aap usko leke prove karte ho iska matlab hai you are a subaltern person you believe in subaltern historiography well hum usko uncritically accept to nahi karenge. So when you write an answer to the question that Quit India movement was a spontaneous revolution in the first half we discuss why and how it was spontaneous as per subaltern thinkers and the limitation of their and that is the limitation not of Quit India movement but of the subaltern school itself. So ye jo hai
तो आपको जैसे जैसे आप अधिक अधिक हिस्टोग्राफी पढ़ते जाओगे, यू कम टू दीज टिपिकल एरियाज ऑफ एप्लीकेशन. हर स्कूल के, हर इश्यूज के डिबेट्स बने बनाए हैं हिस्ट्री में. यू डोंट क्रिएट देम, डोंट ट्राई टू इन्वेंट द डिबेट्स, जस्ट ट्राई टू ब्रॉडन यूर अंडरस्टैंडिंग. नो, रिप्रोड्यूसिंग नेम्स एंड व्यूज ऑफ हिस्टोरियंस फ्रॉम मेमोरी इज नॉट हिस्टोरियोग्राफी. दैट इज वॉट आई जस्ट सेड, जस्ट लिस्टिंग द नेम्स इज नॉट द पॉइंट. इज आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द इशू? आई विल गिव, आई विल शो आंसर. मैं आंसर दिखाता हूँ. इट्स बाय अ टॉपर. His rank was in top 100 with history optional, and I have just pulled off his copy from online somewhere. He was not my student, and in that you will see one answer. The question is, to what extent you agree that 18th century India can be called a dark age? A typical historiographical question. अब इस स्टूडेंट ने किया क्या है? इस स्टूडेंट ने एक इंट्रोडक्शन लिखा है, द 18th सेंचुरी इंडिया एज सीमा अलावी. सीमा अलावी इज अ वेरी वेल नोन प्रोफेसर ऑफ 18th सेंचुरी, उसकी किताब है पूरी उसके बारे में. सो द नेम ड्रॉपिंग इज परफेक्ट. डिस्कसेस इन हर एपोनिमस बुक वाज डिबेटेड अमंग अलोंग द लाइंस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ वेदर इट वाज अ डार्क एज और नॉट. आफ्टर दैट ही हैज गॉन इनटू डिवाइडिंग द आंसर इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट हाफ इज अ डार्क एज, जस्टिफाई करो. सेकेंड हाफ डार्क एज नहीं है, उसको प्रूव करो. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग. सो यू गो टू फर्स्ट हाफ 18th सेंचुरी अ डार्क एज. वी हैव, आई विल नॉट रीड टू द एंटायर आंसर. आई वांट टू गिव एन आइडिया. विलियम इरविन क्या कह रहा है, पार्सिवल स्पीयर क्या कह रहे हैं, इरफान हबीब, एम अथर अली, सतीश चंद्रा. सो फाइव हिस्टोरियंस आर कोटेड विद फाइव डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव दैट इट वॉज अ डार्क एज. देन यू गो टू क्रिटिकल व्यू. देन यू हैव लियोनार्ड, करेन लियोनार्ड्स ग्रेट फॉर्म थियरी, सी ए बेली कैम्ब्रिज स्कूल हिस्टोरियन, रिविजनिस्ट स्कूल. You have J.C. Hesterman, Muzaffar Alam, and Ashwin Das Gupta, and the five counter views are given. And thus, the scholarly opinion shows that it would be prudent to say that there were regions of conflict, but in 18th century, that was opportunity भी है और ये भी है, तो ये भी है, वो भी है. तो generally students feel कि भाई देखो, पांच 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 इस तरफ 10 के नाम लिखे, introduction में 11 वाले लिख दिया, 11 नाम एक answer में कैसे ठूस दिए, and it is a very good answer. Well, factually going, there is nothing wrong in the answer as such. But the point is that isme answer hai nahi. What the student has done is he has shown five views from this side, five from that side, and taken a very middle ground in the end. That is not how the historiographical usage is being done in answer writing. Aapko pehle establish karna hai why the debate exists, what are the parameters, what are the basis on which the debate should occur. And then you go with that and then parameters and say ki dark age kis paimane pe kahenge. Is it because of political fragmentation? Is it because of economic decline? Is it because of cultural backwardness? And is it because India is getting colonized? Yeah, in that context you bring out all these issues. तो आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हिस्टोरियंस आते हैं. हिस्टोरियंस का नाम आगे, आर्ग्यूमेंट पीछे, ऐसे कभी नहीं होता. आर्ग्यूमेंट आगे, हिस्टोरियंस पीछे. Historians provide additional credibility to your argument, but arguments have more importance. So don't try to front load only the names of historians. Firstly, give the idea why the issue is being debated, and then give the arguments with the support of some historians, and then take up the rational stance. But anyway, I just wanted to show you an answer which appears to be very good. It is still above average, no doubt, but it is not actual historiographical answer. It is just dropping the names of historians. So this is not what we should do. Now, what is how to prepare all these things? I just said you have to, whenever you prepare any topic, there is one way that many teachers suggest, many students do, and I also had done at one point of time. You know, list all the major debates in each school, or you go with each chapter and list. To uska ek limited utility hai, and it is a very good utility that you go through PYQs. While going through PYQs and reading through your books or class notes or whatever, you know where are the issues, and those issues need some analysis. Uske ek listing ban jaye. If you make a list, you come to know ki bhai kitne issues niklenge aise jo PYQ mein puche gaye hai ya otherwise important hai. If you put together ancient, medieval, modern, kyunki world mein thoda kam role hota hai history ka, there is not more than debates, not more than 100 debates. So 80 to 100 debates generally hai. You can make the listing of those. We also do that sometimes in class. But just making the list of debates is not sufficient. You should be able to use that debate as per the demand of the question. Is ke baad karenge 5 minute ke baad when you come back to answer writing.
Second important point is that do not divorce history from historiography. This is my earnest request. Historiography, as I said in the beginning, it's not added adornment. It is not added ornament. It is the very core. So, जब भी आप कोई issue पढ़ते हो, if the issue has some historiographical context, उसके साथ साथ पढ़ना चाहिए. Let me try to find some more questions here. Take this question to the Carnatic Wars, Anglo-Mysore Wars, and the Anglo-Maratha Wars. Had eliminated from the contest of supremacy in South India, discuss. तो इसमें वर्चुअली कहा है तो यू लार्जली अग्री बट व्हाट इज द एग्जांपल डू यू नो एनी एग्जांपल ऑफ फ्रेंच प्रेजेंस इवन आफ्टर दिस थ्री वॉर्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द इंडियन काउंसिल्स बिल ऑफ 1861 द ब्रिटिश थॉट दैट द ओनली गवर्नमेंट सुटेबल फॉर इंडिया इज अ डिस्पोटिज्म कंट्रोल फ्रॉम होम कमेंट दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन आई एम लुकिंग फॉर दिस क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में देखो व्हाट अपीयर्स टू बी दैट द क्वेश्चन इज अबाउट द इंडियन काउंसिल्स बिल ऑफ 1861 बट इट इज ओनली peripherally about Indian Council's Bill of 1861. The central term here is despotism controlled from whom. From whom to aap decode aram se kar loge. From whom means there is no more East India Company. It is being done by Parliament. To uske baare mein baat ki ja rahi hai. After 1857-58, East India Company is abolished. Wo to clear hai. But the despotism. So it is not, despotism ka matlab aap nikalo ke democracy hai nahi. It is just a facade of democracy, not real democracy. It's just a liberalism without in colonial context. वो तो ठीक है। उसके पीछे भी जो middle context है वो ये है कि before the Act of 1861, if you look at Act of 1833, the entire claim of British was that they were trying to bring in liberalism. They're trying to give us more rights. They're trying to give us more liberty. वो पूरा का पूरा context जो था utilitarian era का, liberal era का, the era of age of reforms. But after 1857, that age of reforms is suddenly disappearing. The distance between Indians and Europeans has increased manifold, huge amount of racism. And then British finalize in their mind that Indians are beyond reform. हमने 50 साल लगा दिए, bending ने पूरी कोशिश कर ली, अब reform नहीं हो सकता Indians का, सब बेकार चला गया. So let us discard this notion of reform and move towards despotism. तो इस answer में, you may quote Metcalfe and Metcalfe, you may quote Roger Moore, you can quote any other historian, that is fine. But the main historiographical context here is your analysis of the shift in the era of from the reforms era to the despotic era as a consequence of two things. Ek to you have 1857 war, and secondly, you have the next stage, the financial stage of industrial revolution coming up. And in justification of those arguments, you may sprinkle some historians here and there. तो ये आंसर तभी कंप्लीट हो पाएगा जब आपको ये फेज वाइज आइडिया हो डिबेट्स की अदरवाइज दिस आंसर इज नॉट गोना बी डन बाय ओनली फैक्ट्स कि बाय इंडियन काउंसिल्स बिल ऑफ 1861 के प्रोविजंस क्या थे रटो रट के आ जाओ प्रोविजंस लिख के आंसर बिल्कुल नहीं होगा प्रोविजंस आपके आधे भूल भी जाओ आप डजंट मैटर इवन इफ यू डोंट रिकॉल हाफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन काउंसिल्स बिल ऑफ 1861 इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज यू नो द कॉन्सेप्ट एज लॉन्ग एज यू नो द कॉन्सेप्ट And we have lots of questions. Let's take this question number 3A. Do you agree that the decline of traditional Indian artisan production was a fact, sad but inevitable? Discuss. Now, this is sad but inevitable is the quote by our famous Sumit Sarkar. What he is trying to say here? Again, uska perspective ye hai ki whenever society modernizes, whenever economy industrializes, har economy mein de-industrialization hona hi hona hai. Traditional artisanal production has to decline despite whatever consequences it may have. अच्छा हो, बुरा हो, दुखी हो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको खत्म करने के बाद ही you may have opening up for the modern industries. Even within England, the same process happened. The English traditional artisanal production also declined. तो अगर आपको modernize होना है, जो कि आपका choice है ही नहीं, तो modernize होना अगर inevitable है तो ये भी इनेविटेबल है होना है तो भाई अगर इफ दिस इज द सिचुएशन देन हम जो रोते हैं हमेशा कि भाई कॉलोनाइजेशन की वजह से सारा हुआ कॉलोनीज द यूरोपियन कॉलोनियल रूल लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो पूरा खारिज हो जाता है अब आ गया पूरा डिबेट बाहर कि अंग्रेज नहीं होते तो भी यही होता अंग्रेज हुए तो भी यही हुआ तो प्रॉब्लम कहाँ पे है दैट इज द हिस्टोरिक आई डोंट वांट टू गो इनटू आंसर हियर बट दैट इज द हिस्टोरिकल डिबेट वी हैव टू टॉक अबाउट हाउ मॉडर्नाइजेशन टेक्स प्लेस अंडर कॉलोनियल रूल
this is the concept. You may not recall Sumit Sarkar, doesn't matter. You may not recall some other historian, doesn't matter. But the point is, do you know the concept that is debated in historiography? That is the main point. So come back to the presentation here. So history, historiography ko aap divorce nahi kar sakte from each other. That is my earnest request. Study them together. The focus is to be on PYQ themes. As many times as you can, you go through PYQs, aapke interconnections bante jate. I think, Vishal sir, we should make a separate video sometime or discussion for how to analyze PYQs only. I could see that ki some students find it difficult. But PYQ themes, aap, jaise abhi bhi hum dekhte hai, even every single time when we pick up the PYQ book, we are, are ye bhi pucha tha, are aise pucha tha. So it is still a very much a learning process that goes on. And the more and more websites you get, then you have news of historians and books published. This is also important. In as Vishal sir said in the beginning, every year or about 50 plus books are published. Let's take an example right now. A few months ago, we have a book published on Ashoka by a historian called Patrick Olevile. He is a historian in US, but belonging to India originally from Kerala. He's a great historian. He has now gone into the analysis of Ashokan edicts. And the perspective he has brought out is actually trying to, interestingly, trying to counter the view of Romila Thapad on Ashokan edicts, Ashokan Dhamma, which was taken as gold standard for almost 5 decades now. So, ab yahan se aage jo question Ashok ke upar aayega, Ashokan Dhamma ke upar aayega, there is no way you can escape this debate between Patrick Olevile versus Romila Thapad. अगर आप उसको एड एक लाइन दो लाइन में मेंशन कर दो, फिर भी आपके आंसर में चार चांद लग जाएंगे. एंड दैट बुक वाज पब्लिश्ड. आपको आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी. यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर बुक. यू हैव टू जस्ट फॉलो द न्यूज, यू हैव टू रीड द बुक रिव्यूज, और यू हैव टू डिपेंड ऑन सम गुड टेस्ट सीरीज और गुड टीचर्स. बट प्राइमरीली यू फॉलो द न्यूज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे. एज अ स्टूडेंट यू कांट रीड ऑल द बुक्स, बट एटलीस्ट बुक रिव्यूज पढ़ सकते हो. And then news of historians. This is also a very important fact. Jaise humne recently podcast mein bhi kaha tha that 2 years ago, when Ranjit Guha passed away, 1 year ago, we had many questions on subaltern school in that year's question paper. Uske saal pehle jab B.D. Chattopadhyay passed away, we had many questions on early medieval era, 5 questions in that 2022 paper. This year, about 2-3 months ago, January, February mein hi, I guess, Champak Lakshmi has passed away. As a student of history, what is our job is to go and see what are the major debates Champak Lakshmi is involved into. You come to know she started her career as a student of South Indian religion, Jainism ho ya Vaishnavism ho. So Vaishnavism, to matlab you come back to Alawars and Dainars. So Bhakti movement in South India becomes especially important. And what are the views of Champak Lakshmi on Bhakti movement? उसको आपको इस साल जोड़ना ही जोड़ना है. Then the second thing is she talks about the trade and urbanization. It could be the Sangam era urbanization or Chol era urbanization. In both the cases, either Sangam or Chol, how urbanization is connected to trade, export, import, जैसे भी हो, उसका जो connection है. UPSC has already asked a handful of questions on this topic, but now in those answers you have to ensure कि Champak Lakshmi का view क्या है. And तीसरी बात ये है, her third field, if I can recall correctly, तो साउथ इंडियन साइड्स है. तो ये जो चार थीम्स है जो एनीवे हम करते हैं, वी प्रिपेयर देम एनीवे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री. दिस ईयर यू हैव टू फोकस अ लॉट, क्योंकि क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. हर ही वाज अ वेरी ग्रेट हिस्टोरियन एंड हर व्यूज मे नॉट बी इक्वली वैलिड ऑल द टाइम. यू कैन गो कॉन्ट्ररी टू हर ऑल्सो. मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसके व्यूज से आप आंसर खत्म करो, उसको बिल्कुल क्रिटिक करो करना चाहो तो, बट मेंशन चंपक लक्ष्मी दिस ईयर एंड प्रिपेयर द थीम्स इन विच शी हैज वर्क्ड ऑन इंडियन हिस्ट्री. It is going to be very important. So this is how, firstly, 80% task will be done by PYQs, 80% task. And for remaining 20%, you have news on historians and books published. Isko aap hafte mein ek aadha ghanta dekhe bhi karte raho ya mahine mein ek do baar, to bhi kaam ho jayega. And if you feel you cannot do it year round, my suggestion would be join some good test series. Because many teachers, I am not saying ki yahan aao, wahan pe jao, jahan bhi jao, many teachers try to bring in those issues to make the updated questions. So that is another important way. So this is just the basic I wanted to talk about historiography. I cannot be teaching historiography here right now, but let me go through some comments first on this topic you have. If you have any doubts, please ask Devi.
So Chandralekha is asking, in the peripheral ones, can we just mention historians associated or we need to initiate the debate? Chandralekha, you're right. We don't need to initiate a debate. Just mention historian. Just mention. Either in intro or in conclusion, that's all, as some kind of authority. Otherwise, it is not needed. I think we need a class on answer writing. I am coming to that point only right now. Any other doubt we have so far? Till that point, I'll let me go to answer writing. You see, answer writing के बारे में पहली दिक्कत history में ज़्यादा क्यों आती है compared to other subjects is because the way we teach, the way we make notes and the way we write answers, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा difference होता है. When you teach in the class for the first time, when you have no idea at all of any topic, we have to tell you entire story. But you cannot turn story in the answer. When you make notes, you have to make notes as comprehensive as possible. वो सारे answer में fact की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, but the answer question has its own demand. So your answer writing has to be manipulative enough to use the content of notes as per demand of the question. तो हमेशा teaching directly answer में काम को नहीं आएगा. नोट्स भी डायरेक्टली आंसर में काम को नहीं आएंगे. आंसर राइटिंग इज अ सेपरेट स्किल दैट हैज टू बी वर्क्ड अपॉन एंड आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इट मच अगेन एंड अगेन. इट इज अ स्किल. स्किल का मतलब नॉलेज नहीं होता. व्हेन यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड नोट्स रेडी विच आर रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, इट इज ऑल नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट टू राइट आंसर. You have to practice answer writing separately as in itself. It's a skill in itself. ये बहुत जरूरी है. The more you write, the better you write gradually. तो पहली बात तो आपको answer writing का as a skill अलग से develop करना होगा. And how to do that? By writing as many answers as possible over longer period of time. हर दिन एक, हर दिन दो, करते करते आपको धीरे धीरे वहां तक पहुंचना हो. The second point is that when you write an answer, you should have clarity in your mind that there is a difference between facts and argument. Facts are and arguments are important, but facts are just supportive to argument. आप समझो ऐसे, इसे आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में दलील दी जाती है. When you write an answer, you are your own jury, you are your own judge, and you are your own वकील. आप वकील की तरह evidence पेश करोगे, जूरी की तरह उसको जज करोगे एंड जज की तरह उसको फाइनल प्रोनाउंसमेंट भी दोगे. दैट एंटायर कोर्टरूम ड्रामा दैट हैपेंस इन योर माइंड और इन टीवी सीरीज और इन मूवी इज समथिंग दैट हैपेंस इन आंसर राइटिंग. तो आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं और आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स चाहिए. फैक्ट्स का मतलब क्या है? इट कुड बी हिस्टोरियंस नेम, इट कुड बी सम इंस्क्रिप्शन, इट कुड बी सम प्राइमरी सोर्स, इट कुड बी सम प्राइमरी कमेंट. Any primary, secondary source or historian's opinion can be a fact, but the argument is sacrosanct. Argument को आपको forward करके आना पड़ेगा. दूसरी बात, your answer should contain as many arguments as possible, and not only as many facts as possible. हर argument को support करने के लिए आप एक, दो, तीन, चार, पांच, छह facts लगाओ, उसका कोई फायदा नहीं है. If you want to talk of one single argument, let us say the condition of women in Gupta age, it, and about that you want to make some comment. So aapne comment karne ke liye ek fact leke aaya, kaam ho gaya. Go to next argument. Ek bar ek fact ne argument support kar diya. By adding multiple facts which support the same argument does not add diversity of arguments. What a examiner is looking for is diversity of argumentation. To har argument ke liye ek do fact leke aap aage chale jao. ज्यादा फैक्ट्स एक आर्गुमेंट के लिए नहीं चाहिए. योर आंसर कैन नॉट बी फैक्ट हैवी. अगर आप फैक्ट हैवी आंसर लिखोगे तो आप एक तो सारा नोट्स रट नहीं पाओगे, सारा रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाओगे. दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड देन आर्ग्यूमेंट्स गेट सप्रेस्ड. आपको आर्ग्यूमेंट्स को सामने लेके आना है. देन हाउ टू जनरेट दिस आर्ग्यूमेंट्स. पहली बात तो वॉट वी ऑल नो इज टेल वर्ड्स. टेल वर्ड्स देमसेल्फ टेल यू हाउ द आंसर काइंड ऑफ वुड लुक लाइक. आई हैव डिवाइडेड ऑल द टेल वर्ड्स इनटू थ्री बास्केट्स. You have first basket of explain, elaborate and elucidate. This basket is very simple. यहाँ पे जो question दिया है उस question को आप by default presume करके चलते हो कि ये सही दिया है, इसको बस justify करना है, prove करना है, इसको explain करना है. You don't have to question the question itself. On the other extreme, you have analyze, critically analyze and examine, etc. ये type के जो directive words, tell words होते हैं, यहाँ पे you have to open up the full debate.
यहाँ पे हिस्टोग्राफी पक्का आती है, एंड इन दोनों के बीच में जो है वो है डिस्कस, कमेंट एंड जस्टिफाई। यहाँ पे कितना हिस्टोग्राफी खोलनी है, कितनी नहीं खोलनी है, डिपेंड्स ऑन टॉपिक एंड नॉलेज। तो हाउसोएवर मेनली द वर्ड्स बी अल्टीमेटली कम्स टू टू एक्सट्रीम्स, आइदर टेक द क्वेश्चन एज इट इज एंड जस्ट एक्सप्लेन एंड इलैबोरेट, और यू क्वेश्चन द क्वेश्चन एंड ओपन द डिबेट। ये दो ही मेजर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। वी कॉल देम आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन, द एनालिटिकल क्वेश्चंस, एंड देन द सेकंड थिंग इज जस्ट इलैबोरेटिव क्वेश्चन। सो क्वेश्चन आर आइदर इलैबोरेटिव और आर्गुमेंटेटिव, बाकी सब उसका मिक्सचर होता है। तो इन द केस ऑफ आर्गुमेंटेटिव द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन हैव वन साइड द अदर साइड एंड प्रीमाइसेस एटसेट्रा, बट इन द इलैबोरेटिव क्वेश्चन यू जस्ट टेक इट एज इट इज एंड एक्सप्लेन इन सिंपल फैक्ट्स। तो इन केस ऑफ इलैबोरेटिव क्वेश्चंस यू डोंट नीड मेनी आर्गुमेंट्स, इट इज वेरी सिंपल नरेटिव क्वेश्चन, नरेटिव आंसर। सो दैट्स व्हाट आई हैव सेड हियर, द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आइदर नरेटिविस्ट और पर्सपेक्टिविस्ट। इन द नरेटिविस्ट क्वेश्चन यू स्टार्ट क्रोनोलॉजिकली और कॉज इफेक्ट वे और एनी विच वे यू थिंक इज गुड इनफ, बट हियर यू डोंट हैव टू बी वेरी क्रिटिकल, just explain and elaborate. The second type of questions, which are around 50% questions, are perspectivist. And yahan pe aapka structure ban jata hai historiography ke sath sath. That is one major point. When you have that, you create perspective, open the pitara of your argumentation and start using schools from here and there. Now, secondly, whenever you have a question which talks about what, ye kya hua tha? Jaise ki humne abhi dekha ek question, Question 1b itself, after 1857, the peasants emerged as the main force in agrarian movements. It is about what? But whenever you have what, you have a hidden question always to be presumed why. Agar aap sirf what likh ke chhod do ke bhai dekho, you have this chronology, you have this peasant revolts, these are the causes, these are the consequences. Ek case mein hua, to aapne sahi baat kari. That is not a complete answer. That is still only a 70% of your answer. For completion of the topic, you have to also answer why. अब why को answer कहाँ करें, शुरू में, बीच में, end में, either introduction or in body or conclusion, depends on the way you want to open up. Doesn't matter. Question is very straightforward. But without addressing why, if you write only what, then answer remains incomplete. And in perspectivist questions, you may have either direct or indirect historiography. तो हमने तो उसकी बात थोड़ी सी already कर ली. Then I want to go some more detail in intro and conclusion. मैं एक आपको बात बता दूं, हम बात बड़ी थियोरेटिकली कर रहे हैं अभी यहाँ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। जनरली हम कुकिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं, उसमें थ्योरी बुक से कुछ ज्यादा पता है नहीं। यू हैव टू स्टार्ट कुकिंग, यू टू जंप इन टू वाटर्स एंड देन ओनली यू नो हाउ टू स्विम। फिर भी थ्योरी किताबें होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बातें थियोरेटिकली ही चल रही है, जस्ट टू ओपन अप योर माइंड सो दैट यू गिव फोकस ऑन दोस थिंग्स। बट the real test of this understanding is only when you try to implement those in your answer, right? Any which way, come back to this presentation, that introductions, there are various types of introductions you can use to write an answer. The best and the most normal one is that you take the keywords. Keywords mein aapko jo basic main keyword lage answer mein usko bas explain kar do ki why, what, when, why, या फिर उसके कॉन्टेक्स्ट बता दो, कॉन्टेक्स्टुअलाइजेशन ऑफ द कीवर्ड, दैट इज वन थिंग। समटाइम्स यू हैव डिबेटेबल क्वेश्चन व्हिच इज पर्सपेक्टिविस्ट क्वेश्चन, वेयर यू हैव टू राइट अ थीसिस कि व्हाट इज योर स्टांस, आप क्या बात, जैसे डार्क एज का सवाल ले लो आप। इन दिस डार्क एज वाला क्वेश्चन अगर आप ये बताते हैं शुरू में कि द ब्रिटिश हिस्टोरियंस वॉन्टेड टू शो दैट द 18th सेंचुरी वॉज डार्क एज बिकॉज दे देयर बाय कुड प्रूव that 19th century is a golden age or great age because of their colonization. Bas itna. Aapne aapko bata diya, aap kahan ja rahe ho. The moment you show it, you don't have to give the conclusion. But aapne foundation rakh diya yahan pe, conclusion end mein aa hi jayega. To ab aapko historiographical debate wahan pe ekdam, wo jo bande ne answer likha tha, he did not mention, kaun dark age kyun keh raha hai, shuru mein, wahan se rasta nahi khola. Or you can give parameters of the assessment on what basis and any age can be called dark age. So, वहाँ पे आप ऐसे meta analysis कर सकते हो कि भाई every society claims to have some dark ages and golden ages based on the achievements in socio political economic field of that era. In case of India, the 19th century is the age of transition in which X and Y and Z things happen because of which some people call it dark age,
But this question, this view has been put to question by many others. And then you start writing answer. तो आपने पैरामीटर्स ऑफ असेसमेंट को वेरीफाई कर दिया वहां पे एंड देन एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर बिल्ड्स ऑन दोस पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरियंस एंड बुक्स एंड नेम्स एंड आर्गुमेंट्स. तो यू कैन इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन इन कीवर्ड्स, कॉन्टेक्स्टुअल बेसिस, ऑन अ थीसिस स्टेटमेंट बेसिस, पैरामीट्रिक बेसिस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस आर पॉसिबल. सिमिलरली व्हेन यू कंक्लूड द आंसर यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूजंस. यू हैव अ वेरी टिपिकल कंक्लूजन कॉल्ड समेशन कि आपने जो सारा नजरिया बता दिया उसको समराइज कर दो एंड दैट काइंड ऑफ समेटिव कंक्लूजंस आर जनरली यूजफुल इन नरेटिव क्वेश्चंस, सिंपल इलैबोरेट टाइप क्वेश्चंस. समटाइम्स यू हैव कंपैरेटिव क्वेश्चंस जैसे कि कंपैरेटिव कंक्लूजन जैसे कि व्हेन यू हैव फॉर एग्जांपल सरदार पटेल तो एंड हिज रोल एज इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट्स. इन योर कंक्लूजन यू कैन इजीली कंपेयर हिम विद आइदर बिस्मार्क कि भाई इट Bismarck ke saath in world history or even he can show him much better in comparison to Simon Bolivar. Simon Bolivar, Bismarck, Sardar Patel, tino ek hi kaam to kar rahe hai apne apne country mein, apne apne era mein. Bismarck succeeded to some extent but with long term consequences. Simon Bolivar largely failed in integration process. He failed in only liberation but he succeeded only in liberation, failed in integration. But Sardar Patel has succeeded in integration and without any long-term negative consequences also. So, you have a comparison, no one will give you ready-made. The better you understand, better understanding you have of your own syllabus, you are able to make some comparative cross-connections. Sometimes you can externalize the issue. That, bhai, uska jo, jaise ki ite Gandhar School of Art. Ab Gandhar School of Art ke upar jo question aata hai, to hume clearly pata hai ki, bhai, to Angrez log the. That they made Gandhar School much superior compared to other schools because of their colonial interest. So in such kind of questions, we can conclude with decolonization. He, even today, agar koi kehta hai Gandhar is better than Mathura, the mind is still colonized. This is the process of decolonization much, much longer. So aapne us issue ko ek bahut bade issue ke context mein externalize kar diya. So even, and examiner will become very happy. If you're able to make those connections, or sometimes I had a friend, Anuj, he is now IPS, and he actually scored 300 plus multiple times. I have many answer copies of him also, usne personally bheje the mujhe. But anyway, his answers had one interesting quality, which I have not seen many others doing. And that is his conclusions used to bring emotions, empathy. If it is a feminist question, Dalit question, if it is a It is a colonial question, decolonization. कहाँ भी आप एक emotional angle उसमें डाल, if it is a famine question, a famous question, doesn't matter. If you are able to bring some empathic or emotive angle into your conclusions also, that also has a premium. It is very well tested and proven by him getting 300 plus consistently over 3 years. दो तीन बार उसने तीन बार उसको 300 plus आए हैं only because of his one style कि every 2-3 questions के बाद वो थोड़ा सा इमोशन उसमें he used to show कि भाई I am connected to this subject, this topic and it was his unique style. So my point is that introductions can be of multiple types, conclusions can also be of multiple types, in between the structures can also be of multiple types. अब ये कौन से question में कौन सा intro, कौन सा structure and which conclusion depends on your practice. It is only practice. So ऐसे कोई बना बनाया चीज नहीं होती. द मोमेंट लुक एट क्वेश्चन यू बिकम्स वेरी मच अवेयर. बट आई वुड स्टिल वांट टू से वन थिंग दैट देयर इज सम डिफरेंस इन पेपर वन एंड पेपर टू व्हेन इट कम्स टू सच काइंड ऑफ अप्रोच. इन केस ऑफ पेपर वन यू हैव टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी. यू हैव टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग देयर बाय ऑफ पीरियडाइजेशन. At least 2-3 questions every year in paper one in ancient medieval can easily be answered with very good perspective if you have a clarity over different issues associated with periodization. And then thirdly, you should have a good control over primary sources. So change and continuity, periodization and primary sources apart from historiography are very unique to paper one. In case of paper two, thoda change ho jata hai. You don't have to go to lots of primary sources. Paper 2 doesn't deal with primary sources. Paper 2 also doesn't deal with periodization as much. You have one aspect of periodization of early modern,
बट वो दो तीन क्वेश्चन के लिए सीमित है, ज्यादा कुछ है नहीं अबाउट पीरियडाइजेशन पोस्ट कॉलोनियल एरा एटसेट्रा, अभी तक इट हैज नॉट कम इन अवर सिलेबस ओपनली. तो पेपर टू डजंट कंसर्न इटसेल्फ विद पीरियडाइजेशन, पेपर टू कंसर्न इटसेल्फ मोर विद क्रिटिकल एनालिसिस, मोर विद कोट्स एंड मोर विद कॉजेशन. कॉजेशन दोनों तरफ है, पेपर टू में एक्सप्लिसिट ज्यादा बाहर आता है. सो व्हेन यू प्रिपेयर टू डिफरेंट पेपर्स द वेटेज ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन आंसर राइटिंग विल चेंज एज पर डिमांड. जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में यू नीड लीस्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, ऑल्दो वी टीच दैट इन क्लास, सम ऑफ द टॉपिक्स हैव लॉट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन्वॉल्व, रिवॉल्यूशंस एटसेट्रा, बट नॉट ऑल ऑफ देम. एटलीस्ट हाफ द टॉपिक्स, मोर देन हाफ द टॉपिक्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री डू नॉट रिक्वायर एनी हिस्टोग्राफी एट ऑल. वो काम बड़ा आसान है, यूपीएससी डजंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू. इतने सारे लोग एंड नाम एंड स्कूल आप याद नहीं कर सकते, ना जरूरत है. इन मॉडर्न आपको चाहिए अ लॉट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, एटलीस्ट हाफ द हिस्ट्रीज. देन यू कम टू द थर्ड बिग ईयर वैल्यू. यहाँ पे सिंपल बात है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री टीचर्स आर जनरली हु चेक द पेपर्स आर जनरली लिटिल बिट ओल्ड स्कूल. And old school bit, जहां जहां पॉसिबल हो वहां वहां स्प्रिंकल फैक्ट्स एज मच एज पॉसिबल. ऑल्दो आपका आंसर विल रिमेन एनालिटिकल, इट विल रिमेन आर्ग्यूमेंटेटिव, बट जहां जहां पॉसिबल हो वहां वहां यू कीप ट्रिंगिंग डेट्स एंड प्लेसेस, हिस्टोरिकल एक्टर्स एंड सोर्सेस, अगर याद हो तो. अगर याद हो तो, नहीं हो कोई बात नहीं, अगर आप स्प्रिंकल करो तो बेहतर. सेकेंडली यू कैन ऑल्सो राइट कोट्स. द पी वाई क्यू स्टेटमेंट देमसेल्फ, आप जितनी बार पी वाई क्यू पढ़ोगे बार 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 यू विल एबल टू इंटरनल स्टेटमेंट. वो स्टेटमेंट कई बार अगले साल के सवाल के आंसर के थीसिस स्टेटमेंट बन जाते हैं. सो वन ऑफ द वेज ऑफ रीडिंग पी वाई क्यू इज टू अंडरस्टैंड विच पी वाई क्यू कैन बी यूज्ड एज आंसर इन विच अदर पी वाई क्यू. वो इट इज वेरी यूजफुल एंड इन रिसेंट बुक्स पब्लिश हिस्टोरियंस यूज एटसेट्रा कैन बी स्प्रिंकल देम. देन मैप्स एंड चार्ट्स. जैसे कि चार्ट्स की अगर बात करूँ, कमिंग टू संगम एरिया इटसेल्फ यू हैव टिनाई सिस्टम. वो तीनों का एक चार्ट बनता है इकोलॉजिकल ज़ोन्स का, वो आपको रडार हटाया चाहिए, वी हैव टू यूज दैट. मैप्स में तो यू कैन ड्रॉ स्मॉल मैप ऑफ इंडिया और एशिया और द वर्ल्ड इन द कॉर्नर एंड जस्ट पुट इट इनसाइड अ काइंड ऑफ ब्रैकेट एंड यूज इट एज मच एज पॉसिबल. आई कैन बी श्योर दैट एवरी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इन एंशियंट मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड कैन हैव अ मैप. जितने मैप्स आप अधिक बनाओगे उतना बेहतर. आई एम टेलिंग यू इट लुक्स वेरी इजी बट वेन यू राइट एन आंसर it doesn't click very easily. It takes extra practice. Map की practice इसलिए नहीं करनी है कि भाई आपको map बनाना आना चाहिए, वो तो छोटी बात है. कौन से सवाल में कहाँ पे कौन सा map value add करेगा, ये चमकने के लिए practice ज़्यादा करनी पड़ती. And it you have to make it a habit. So that is about answer writing I wanted to show. And एक एक छोटा एक एक concept है three story intellect. I thought I would share it with you. That the bottom story. The first story and second story or three stories. तो जो first story जो नीचे वाली सबसे है उसमें एक basic level of understanding होता है, all the information. The basic answer looks like the first story answer. आपने सारे facts data भर दिया, लिख दिया, उसको list करके याद करके रट गए. That is just a first level answer. Then you go to the second story. Now you are able to analyze. You are able to compare. You are able to infer. You are able to synthesize some data. वो जो structuring of the answer होता है, यहाँ पे आपका second story intellect बाहर आता है. That requires some practice. And if you are able to reach the second story in your answer also, you will definitely get 50% plus numbers. 10 में से आपको 5 नंबर आ ही जाएंगे अगर आप second story पहुँचते हो. But 10 में से अगर 7 चाहिए, 6.5 चाहिए, then you have to go to third level, जहाँ पे you should be able to either bring some evaluation. Bring some kind of larger issue into. जैसे कि गांधा स्कूल में nobody I have seen so far putting decolonization, but it is intimately connected to that. So ये इस kind of imagination जो है चीजों का, या सरदार पटेल का comparison with Simon Bolivar लोग नहीं करते हैं. So lots of such things you can do if you, जैसे विशाल सर ने कहा था, internalize the syllabus. Internalize the questions. जब आप वो करते हो ये सारे interconnections अपने आप बनना शुरू होते हैं. So that is the third level. My suggestion, our maximum effort is to reach the second story in most answers. अगर हम वो कर ले and in one or two answers हम third story पे चले जाए, अपना काम हो जाता है. So that is what I would want to say about answer writing. Let me come to questions now before going to maps.
you have any doubt and questions and queries, please ask them right now regarding historiography and regarding answer writing. I think we need a class on answer writing. Nirlekha, class semi important. You need to start writing answers and then get them evaluated, get them discussed. As many questions as you can show and write, better it is. Okay. We have one question from Abhishek. Sir, how do I start my preparation for new student? Full preparation of history as an optional, how much time it will take? Abhishek, thoda sa question tangent hai, lekin abhi bata deta hu main. You start with basic books, go through one round of completely in a month or so. And secondly, if you have to do optional, history optional fully with complete note making and all the levels of analysis and historiography and PYQs, etc., it takes 6 to 8 months. That's a normal thing for everybody for any of 6 to 8 months with completion of history option. How to deal with map portion? Somewhat map is the third thing that I have here after everything. If anything else is there, let me answer it right now. Then I will come to the maps. How should I proceed to maps? Can every person of history can be asked based on historiography? Abhishek, this is a good question. Answer is no. Take from Harappa. अंदर ही आप अगर देखोगे lots of debates, we don't need all of them. The point is that you have for example the emergence origin of Harappa, the characterization of Harappa and decline of Harappa. ये तीन major issues है जहां पर historiography आएगी. Then उसके craft के बारे में नहीं आएगी, उसके religion के बारे में नहीं आएगी. So not every sub point in syllabus has historiography associated to it. But every chapter has some or the other sub point which is connected to important historiography. And wo kaise pata chalega aapko? By looking at PYQs again and again and again and again. That is important. And as I said, if you make the entire list of debatable topics, they come not more than 100. Not more than 100. And if you look at PYQs, 100 mein se 70-80 to 100 mein se 20-30 repeat hote rehte hain. Har saal repeat hote rehte hain. बस क्वेश्चन कई बार उल्टा पकड़ के आता है. जैसे कि विशाल सर का एग्जांपल अगर ले, उन्होंने दिया था डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा के ऊपर. सम टाइम्स दे वुड आस्क अ क्वेश्चन ऑन सडन डिक्लाइन थ्योरी के बारे में, देन यू यूज दोस आंसर्स, दोस आर्गुमेंट्स, बट द नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन वुड कम इन द अपोजिट वे, इट वुड टॉक अबाउट वेरी ग्रेजुअल डिक्लाइन. सो यू हैव टू द फ्लिप द आंसर अकॉर्डिंगली. सो यू हैव टू बी एबल टू मैनिपुलेट द डेटा दैट यू हैव इन योर नोट्स एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. कुछ किसको बढ़ाए, किसको कम करे, किसको पहले रखे, किसको पीछे रखे, वो जो मैनिपुलेशन होता है वो क्राफ्ट ऑफ आंसर राइटिंग है. बाकी जो कंटेंट किताब में है उतना ही है. क्षितिज इज आस्किंग, सर आई स्टार्टेड प्रिपरेशन 3 years, नॉट एबल कंसाइज द आंसर राइटिंग टेक्निक. क्षितिज आई वांट टू से दैट आंसर राइटिंग इज नॉट टू बी डन एट द एंड ऑफ प्रिपरेशन, इट हैज टू स्टार्ट अलॉन्ग विद प्रिपरेशन. देखो होता क्या है, आई विल टेक माई एग्जाम्पल. एक बार 2014 की बात है, मैं उपेंद्र खोल के बैठा था, उपेंद्र सिंह खोल के. आई वाज प्रिपेयरिंग माय फॉर माय ओन प्रेजेंट अटेम्प्ट. आई रेड वन और टू पेजेस, आई अंडरलाइंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देयर दैट आई फेल्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कहा किताब बंद, आई वांट टू राइट आंसर. मैं आंसर लिखने बैठ गया, बड़ा जोर आ रहा था. अल्टीमेटली स्टिल आई स्टार्टेड टू राइट एन आंसर. आई रोट वन और टू सेंटेंसेस, आई कुडंट मूव फर्दर. मैंने कहा व्हाट इज दिस, आई हैड जस्ट रेड एग्जैक्टली दोस टू पेजेस फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन वाज बीइंग ड्रॉन. And still I was not able to write the answer. I said, क्यों हुआ? I opened the page again and now I started reading again. I came to know कि भाई जिस line को मैं समझता हूँ बड़ी mundane line है, बड़ी बेकार line है, plain line है, discard कर दिया. That line actually made a very perfect. And जिन facts को मैंने या जिन points को मैंने underline किया था, बड़े interesting के, बड़े काम के हैं, वो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी. There were too many unnecessarily points. My point is that the more you write, the more you struggle with writing, and that fulfills the feedback loop when you come back to reading again and making notes again. Aapke notes ki quality, aapka reading comprehension improves only when you fail in the initial attempts of answer writing. And the better reading, better notes ultimately help you in writing better answers. So ye loop saath saath chalta hai. Don't try to write answers at the end of syllabus. Every chapter ke end mein aapko answer likhne chahiye baar baar. Apart, that is one major point. Apart from that, if you have any other specific issue with answer writing, you can get in touch with us. I would like to look at a few of your answers first before giving a generic trick.
Sir, what does an examiner primarily check in an answer, especially checking hundreds of copies? Venkatesh, I'll tell you what I know. This is not insider perspective. We have talked to many people. There is, first of all, no standard answer, model answer given by UPSC. In RTI query, UPSC has itself revealed that it does not prepare model answers. But they have a process. How does the process work out? Whenever the answer copies are collected, generally the evaluators come together and they discuss each and every question in detail. जैसे history optional के अगर copies आते हैं, तो history optional check करने वाले सारे लोग UPSC भवन में इकट्ठा होते हैं. Papers सब वहीं check होते हैं, दुनिया देश में क्यों और नहीं check होते हैं. Teachers have to leave their states and cities and come to UPSC to check the copies. Copies don't go outside. तो सारे इकट्ठा बैठते हैं in a hall that is allocated to them. They come together and they discuss each and every question in detail, what all could be the possible points. Secondly, they start checking the answer. At that time, they are not looking for a conformity. Ki bhai, isi view se answer likha hai to sahi hoga, us view se likha hai to galat hoga. That doesn't make any sense. You may be a Marxist, you may be a subalternist, you may be a right wing, you may be, as long as your answer is logical, you are able to make your points argumentative way with factual basis, you will get your marks. So logical consistency, linguistic lucidity, and conceptual clarity. Ye cheeze, and then within word limit. So do you, and usko aap likhne ka tarika kaise hota hai aapka? Do you show that causation, causative kaise ho raha hai? If you are able to show your thinking as a historian would think, bhai dekho ye fact hai, ye analysis ho gaya, ye fact hai, ye argument ho gaya, then you are there. It's very simple. हो सकता है कि let us say विशाल सर मैं आंसर लिख रहे हो for the same question, I write 10 facts and put them in a very plain way. विशाल सर writes only 6 or 7 facts but views them properly in argumentative structure. विशाल सर would get 2 marks more than me. The question that I just showed you in the beginning, that on the dark age of 18th century, it had list of all the historians' opinion, but I would not give it a good answer. Call it a good answer. Even though the student knows very well all the names of historians, 11 naam, usne 11 naam likhe ka answer historians. Usne ye prove ke ko rata hua sara hai. Sara rata hua hai, he would still get average answer, not more than that for that specific answer. Overall, alag baat for that answer, he would get that average marks because he is not showing me how historian thinks. He is not showing me what is the logic, what is the parameter on which all this debate is happening. There is no thesis, there is no conclusion properly. So lucidity, historical perspective, these things are being checked by examiner. Uske baad bhi kya hota hai? Once a copy is checked, there is a moderator who goes through questions again to verify ki iska number sahi mile hai, nahi mile. So this is what is there. I hope I have satisfied your query, Venkatesh. Ek baat usme main bataunga that there is something called as content differentiator. Ab ye practical baat aati hai. See, there are 4 or 5 teachers. There are 10-12 books. Everybody does that. So sources ज़्यादा अलग नहीं है, coaching ज़्यादा अलग नहीं है, notes ज़्यादा अलग नहीं है. Then how do you bring out your specialty? And that content differentiator, value addition, वो एक तो typical तरीका है. You have maps and charts and those things. जैसे मैंने कहा, इनके सवालों का धम्मा, if the question is asked this year, you have to include Patrick Colville. If you include Patrick Colville, you are done. उस क्वेश्चन को आपको 10 में 7 मिलने ही मिलने हैं. इफ द क्वेश्चन इज ऑन संगम एज अर्बनाइजेशन और अलवर अलवर काइंड ऑफ थिंग नाउ इन दैट केस अलवर एंड भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया दिस ईयर यू हैव टू मेक इन चंपक लक्ष्मी नंबर मिलने ही मिलने बिकॉज दिस इज अ हॉट न्यूज. सो माय पॉइंट इज दैट यू हैव टू ऐड सम कंटेंट डिफरेंशिएटर इन टर्म्स ऑफ मैथ्स सम चार्ट्स some current book published, some opinion, anything. For example, you don't have to follow the books which are very new. You can go to old books also. Ek aur main bata do aapko interesting baat. History ke andar alag alag fields aate hain. Jaise hum padhte hain, ek question aaya tha Buddhism ke upar. That Buddhism, I don't recall the exact phrasing of the question, but it was about Buddhism and Upanishads. Connection ke bare mein koi sawal tha ki Buddhism is nothing, it is a child of Upanishads or something like that. So yahan pe aapko concept, you have to have conceptual clarity. But if I am writing that answer, the first person I would quote in this answer is not historian, but Sir Radhakrishnan.
Dr. Sarvepalli Radhakrishnan has written about this issue. He has written History of Indian Philosophy. So whenever a question of Upanishad comes, Buddhism comes, I generally quote Radhakrishnan and not a historian. Whom you quote also matters. So aapko thoda sa content differentiator lana padta hai. That comes with practice and some kind of awareness of the issue. Sir, any special course after prelims for mains? Khitij, what kind of course are you talking about? Generally, after prelims, what we have is a test series for mains, which includes 10 papers and discussions, but there is no other course as such. It's a history of a test series that would come as usual. Okay. Now, coming to maps, are maps ka to? Oh, sorry, I forgot the maps. Let me come back to maps. Give me a few moments. I'll discuss the map strategy. Dekho, map mein na, I want to mention that you have to remember Pareto principle. And what is that? We start collecting sites after sites after sites. And overall, they become 400, 500, 600 sites. But not all sites are equally important. Out of those 600 sites, generally around 100 sites have higher probability of being asked every year. So, hame karna kya hai? We have to focus. Ek to you have to do one round of having all those 500, 600 sites. But while revising, while practicing, we have to focus on those 100, upon 100 sites. Last 10 years PYQs, that's all. If you cover last 10 years PYQs, aapke lagbhag 50-60% sites jo is saal puche jayenge, wahi se cover ho jate. So that is one important thing. Pareto principle kya hota hai? 80-20. Ki koi bhi company koi cheez produce kar rahi hai, so 20% products bring 80% revenue and remaining 80% products bring only 20% revenue. Ye to generally 80-20 is just a notional thing. Aise paya jata hai. So in our preparation also, those 100 sites will bring you more than 50% marks. So 20% of the sites will bring you more than 50% of map number and vice versa. So you have to remember, collect those 500 sites, but focus on those 100 sites last 10 years PYQs. Uske andar bhi kai repetition ko milenge. Dusri baat, you start having themes. There are about 25 themes, like Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, capitals and religious centers, education centers, port sites, cultural sites, temple sites, etc. 25-28 sites. You have to collect the, segregate the sites, make your own maps, segregate them into 25-20 themes. Ye cheez aapko market mein dukaan mein kitab nahi jayegi. You join the coaching, you will get notes also. But I still believe in a very old school way of preparation. You have to prepare your own maps. That one cycle of map preparation is extremely important. Extremely important. About 25-20 themes are there. And within that, if you analyze last 10 years, again, very closely you will come to know that of the 20 sites they ask, question 1A of paper 1 is mapping question. So 20 sites puche jate. But of those 20 sites, if you see around 9 to 10, about 40-50% sites are about prehistory. And remaining 40-50% sites are about historical era. So suppose Paleo, Meso, Neo se leke aap agar jaoge, and Harappa tak aoge, Harappa and Calculithic tak aoge, so you would have covered almost 50% of your sites. And for entire rest of historical era, capital se leke aap Mauryan ho, post-Mauryan, Gupta, post-Gupta, early medieval, cultural, educational, capital, economic, jo kuch ho, sab kuch jod ke aate hai, sirf 50% sites. So you have to remember that you aapko dono themes achche se cover karne hai. Sources kya honge? PYQ is first and foremost. Secondly, NCRTs. The old NCRT karo, new karo, jaise bhi karo. And thirdly, IGNU. Isme bhi, I have to add points. Firstly, do not try to take it as a big project. Ki maine aaj se baith ke agle ek mahine mein sare maps kar dunga. It doesn't happen that way. It doesn't work up. You have to do it incrementally every day for a few weeks. Har din, literally har din, just sit for 10 minutes and make only 3 sites. Only 3 sites. In entire week, you will do around 20-25 sites. Aapka pura ek map khatam ho jaye. One map is done. Likewise, if you are able to do 4 to 5 maps every month, aapka kaam ho jata hai. It takes only 10 to 15 minutes every single day, not more than that. Uska fayda aur ek hota hai.
फायदा ये होता है कि आप बैठ के सारे 20 साइड याद नहीं कर सकते, कर भी तो कल भूल जाओगे परसों भूल जाओगे। बट इफ यू डू 3 साइड्स एवरी डे, आज तीन कल जब मैं तीन नए करूंगा तो पुराने तीन याद करूंगा दोबारा, परसों 9 होंगे फिर 12 होंगे, सो इंक्रीमेंटल यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग। बाय द एंड ऑफ द वीक वो मैप ऐसे रटा जाता है कि आप भूलोगे नहीं उसे बार बार। नेक्स्ट वीक 2 मैप, उसके बाद 2 मैप, एक एक मैप, यू हैव टू कीप एडिंग 1 मैप एवरी वीक ओनली 15 मिनट्स अ डे। दैट इज अ वेरी यूजफुल सजेशन। द सेकेंड पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इज यू हैव टू प्रिपेयर मैप्स कॉन्टेक्स्टुअली। आप ऐसे ना करिए कि आपने एंशियंट इंडिया अलग से पूरा पढ़ लिया, स्पेशली फॉर प्री हिस्ट्री, स्पेशली फॉर प्री हिस्ट्री मैप अलग से पढ़ लिया और अब किताब अलग से पढ़ोगे, ऐसे नहीं होता। वेन यू प्रिपेयर मेगालिथिक, वेन यू प्रिपेयर पैलियोलिथिक, वेन यू प्रिपेयर मेसोलिथिक, जब पढ़ रहे हो किताब से उसके साथ साथ मैप देखो, यू हैव टू बी एबल टू कनेक्ट दैट। आई विल गिव अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, एंड दैट एग्जाम्पल इज फ्रॉम पैलियोलिथिक एरा ओनली। इन पैलियोलिथिक एरा स्टोन्स वेर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूल, सो साइट्स आर जनरली नॉट फाउंड इन रिवर वैलीज। रिवर वैलीज अलुवियम, अलुवियम में जनरली स्टोन्स नहीं मिलते। पैलियोलिथिक साइट्स आर फाउंड ऐसे जगह पे जहाँ पे रॉक शेल्टर्स हो, रहने को जगह हो, या रॉक स्टोन सोर्स हो जहाँ पे वह पत्थर से हथियार बना पाओ। तो इन एंटायर गंगा वैली, इंडस वैली, जनरली स्पेशली गंगा वैली में यू डोंट फाइंड पैलियोलिथिक साइट एक्सेप्ट फॉर वन, कालपी इन जलाउन डिस्ट्रिक्ट। अब जब आप ये चीज आपको समझ में आएगी कि भाई जब पैलियो पढ़ रहा हूँ, स्टोन का सोर्स एंड रॉक शेल्टर बोथ आर नेसेसरी, तो साइट्स आर ऑन इन दोज लोकेशंस, दे आर नॉट इन अलुवियल साइट। एंड जब आप कालपी लिखोगे तो मोमेंट यू हैव दैट साइट इन यूपीएससी क्वेश्चन पेपर, यूपी में दी है भाई, कालपी आंख मूंद के काम खत्म। एंड इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो विल रेड कि दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट एग्जाम्पल्स इन इंडियन हिस्ट्री जहाँ पे आपको पैलियोलिथिक साइट मिली है अलुवियल सॉइल सॉइल। तो ये कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन पता चल जाता है। द थर्ड थिंग आई वॉन्ट टू एड इज डिस्क्रिप्शन राइटिंग। बट वी डोंट गिव इनफ इंपॉर्टेंस टू राइट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऑल्सो आर गिवन नंबर। अगर एक साइट एंड डिस्क्रिप्शन 2.5 नंबर का है तो लगभग कम से कम एक नंबर तो डिस्क्रिप्शन राइटिंग का आता है। एंड इन द एग्जाम हॉल वेन वी हैव टू डू 20 साइट्स इन 25 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स, उस समय डिस्क्रिप्शन हम अच्छा नहीं लिख पाते हैं अगर उसकी पहले से अलग से अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की हो। तो वेन यू प्रिपेयर मैप्स डू नॉट प्रिपेयर ओनली मैप्स, प्रिपेयर डिस्क्रिप्शन। हम डिस्क्रिप्शन कैसे होते हैं, यू कैन नॉट जस्ट रैंडम फैक्ट्स किताब से नहीं उठा के डाल सकते, याद भी नहीं रहेंगे। इसमें एक बोन ये मिला है, ये एक टूल मिला है, ऐसे तो याद नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो कहा पैरेटो प्रिंसिपल, द 100 साइट्स दैट यू हैव विच आर वेरी इंपॉर्टेंट साइट, उसके डिस्क्रिप्शन अच्छे से रट लो, उसके रट लो अच्छे से। एंड बच्चे जो 400-500 साइट्स है उसके जेनेरिक टेम्पलेट्स, वैल्यू के लिए ये, मीजो के लिए ये, कैपिटल के लिए ये, टेम्पल के लिए वो, एटसेट्रा, एंड ट्राई टू रिप्रोड्यूस दोस टेम्पलेट्स। दैट इज द वे यू रिड्यूस योर बर्डन ऑफ मेमोराइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑल्सो। अब एक सवाल आता है ग्रिड बनाने का। तो ग्रिड का जो सब पॉइंट है इट डिपेंड्स ऑन यूपीएससी ग्रिड बनाए ना बनाए, क्योंकि नाउ राइट नाउ देयर फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं हर साल। एक साल मैप आता है विद स्टेट बाउंड्रीज, एक साल आता है विदाउट स्टेट बाउंड्रीज, सो दे आर चेंजिंग इट एवरी ईयर। इफ द मैप कम्स विद स्टेट बाउंड्रीज तो ग्रिड की जरूरत ज्यादा है नहीं, वी ऑलरेडी हैव दोस गाइडलाइंस, दोस रेफरेंस लाइंस। बट इफ द मैप कम्स विदाउट द स्टेट बाउंड्रीज देन यू नीड अ ग्रिड। नाउ वी कैनॉट प्रेडिक्ट कि यूपीएससी क्या करेगी, तो आई सजेस्ट व्हेन यू प्रिपेयर द मैप यू शुड प्रिपेयर देम विद ग्रिड लाइंस। बट माय मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे इज पैरेटो प्रिंसिपल, दैट 100 साइट्स मेक 50% ऑफ योर आंसर्स। एंड सेकेंडली इंक्रीमेंटल प्रैक्टिस, हर दिन दो चार सेट करते रहिए ओवर द फ्यू मंथ्स, आपका सारा काम आपको पता भी नहीं चलेगा कब काम हो गया आपका पूरा। सो दीज आर माई फ्यू इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ हाउ टू प्रिपेयर मैप्स। इज ग्रिड मेकिंग कंपल्सरी? इट इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल, दिस इज फॉर आवर इंटरनल रेफरेंस, ठीक है, इट इज नॉट फॉर यूपीएससी। सर इट एक्चुअली नीड टू रेफर टू ओल्ड एनसीईआरटी और तमिलनाडु बुक इज नेसेसरी बिकॉज आई हैव रेड न्यू एनसीईआरटी। Samrat, I am guessing the question is not regarding maps, it's a generic question. My answer is that new NCERTs are very good and useful, but they don't help us create a good timeline in our mind. So what I would suggest is that if you have a timeline clarity, aapke notes agar bane hue hain, aapke paas har era mein, say you go from महाजनपद एरा टू मौर्यन, मौर्यन टू पोस्ट मौर्यन, पोस्ट मौर्यन टू गुप्ता, हर एरा के सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चरल टीचर्स आपके बने हैं,
देन यू डू नॉट नीड टू गो टू ओल्ड एनसीईआरटी एट ऑल, कोई जरूरत नहीं है, जहां से आपने बनाया क्लास के नोट्स हो जैसे भी हो. एंड देन व्हेन यू रीड न्यू एनसीईआरटी इट बिकम्स वेरी यूज. न्यू एनसीईआरटी इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव एट ऑल, इट टेक्स अ फ्यू इश्यूज एंड ट्राइज टू टीच अस हाउ टू थिंक अबाउट देम. वहां पे बहुत खुल के वहां से सवाल आते हैं, खुद भी सवाल आते हैं, बट न्यू एनसीईआरटी डजंट गिव यू द लार्जर टाइम कॉन्टेक्स्ट. सो फॉर क्रोनोलॉजी के क्लैरिफिकेशन के लिए यू नीड टू हैव एनी सिंगल सोर्स एंड देन यू गो फॉर न्यू एनसीईआरटी, देन इट विल बी मोर यूजफुल. इज इट क्लियर? Any other doubt? I think let's open the forum for any kind of doubt you have about your life, about UPSC, about history. Jo koi dikkat ho, aap pooch lo. We have covered the six themes here. Book format, there is no good book format. I have tried all of them. All of them have some problem. My suggestion, the very first point is that make your own maps. 3 to 4 map sets a day. You take any book as a reference. Doesn't matter. You take any book as a reference. मार्केट में दो चार किताब मिल जाएंगी, रेफरेंस इज फाइन, दैट विल स्पीड अप योर प्रोसेस, सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम यूजिंग इन द रेफरेंस बुक, बट अल्टीमेटली यू हैव टू मेक योर ओन मैप्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. वैसे हम भी एक मैप बुक बना रहे हैं, इट ऑलमोस्ट इट इज रेडी, इट विल कम आउट इन सम टाइम, इन अ मंथ और टू, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट, वो किताब मैं कितना भी ढोल बजाऊं, अच्छी किताब है, बढ़िया किताब है, दो चार पॉडकास्ट करूँ, सब कुछ कर लेंगे हम. To make sure that kitab reaches the students, because we will have put in genuine efforts of months and months in the book, so no doubt about it. Uske bawajood main fir bhi ye kahunga ki as a you have to internalize the process, khud ke maps khud banaye. Theek hai sir, I want to enroll for online course but amount is not sustainable for me. Kitej ye to aap, you can talk to the administration, they will do something about it, there is no problem about that. Aap admin se baat kar lo, theek hai, koi dikkat nahi. Now we have few queries. How to allocate time between GS and optional? Samrat, it depends on the stage of your preparation. अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू करी है तो फॉर 6 to 8 मंथ्स वी वुड सजेस्ट 50-50%. Am I right, Vishal sir? बिल्कुल सर. है ना, after you finish one round of optional and GS, then it comes to जैसे प्री नजदीक आएगी, मेंस नजदीक आएगी, it will keep on shifting. But for first 6 to 8 months, it has to be 50-50%. The next question, sir, is it really Abhiram Kashyap? I remember your name from somewhere. I don't recall from where. Anyway, is it realistically possible to crack the exam? Huh? Abhiram student hai apna na? Hamara student. Ha ha. So, right. All the people I have come across so far are only exclusively preparing for the exam. Biggest existential question right now for me. Abhiram, don't worry about this. If you are able to take out 4 to 5, देखो होता क्या है ना, there is एक 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 आर्मी था, सी नॉर्थपोर्ट पार्किंसन, he was a naval officer in India for a long time, then he went back to, he has written a book called Parkinson's Laws, उसपे 10 लॉ दिए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग किताब है, किताब को पढ़ भी सकते हो टाइम पास के लिए आफ्टर योर सिलेक्शन, बट उस किताब में एक पार्किंसन्स लॉ ये है, वर्क एक्सपांड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन. अगर मैं फुल टाइम तैयारी कर रहा हूँ, मैं जितना अधिक समय है उतना अधिक काम में बढ़ाते जाऊंगा मेरा. इफ आई हैव लेस टाइम, इफ आई हैव स्कार्सिटी ऑफ टाइम, आई विल डू थिंग्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट इन द मोर टारगेटेड मैनर. तो इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल टू क्रैक द एग्जाम वाइल वर्किंग, नॉट एट ऑल. आपके दिन के 4-5 घंटे आप निकाल, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे निकाल पा रहे हो, दैट इज गुड इनफ. बट वॉट आई वुड से इज बियॉन्ड दो 4-5 घंटे, बाकी के दिन के समय ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग ईटिंग, ड्यूरिंग वॉकिंग, whatever you have keep processing your answers, your lectures, your notes, that is the actual value addition and that is actually the key to the exam. kai bar hota kya hai, jo bachcha 24 ghanta taiyari kar raha hai wo samajhta hai bas main padhte jaau, dekhte jaau, usse mera jitna main adhik padhu mera kaam ho jayega, nahi hota, because that student is not able to take out the time for processing of the data every year. बिकॉज ऑफ योर जॉब इन ट्रैवलिंग हो, जैसे भी हो, अगर आप 1-2 घंटे एडिशनली बस मेंटल प्रोसेस के लिए दे पा रहे हो, टू जस्ट ट्राई टू, यू हैव टू हैव दैट सेल्फ वॉइस इन योर माइंड, रिपीट करो, सोचो, खुद को सवाल पूछो, याद करो क्या था, कोशिश करो बोलने की, सुनने की, याद करने की, दैट इज द मेन की टू द आंसर इन द एग्जाम, वो आपका हो सकता है. सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम दैट यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, कोई दिक्कत नहीं है उससे. यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टाइम, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टास्क
एंड देन यू टू मैक्सिमाइज द टाइम. ये तो सिंपल बात. देन गिव सम डायरेक्शन फॉर न्यू स्टूडेंट्स वांट्स टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर आईएएस. हमेशा फिलोसॉफिकल बात अगर करनी है तो बताऊंगा मैं कि टाइम इज वेरी प्रेशियस, डोंट टेक इट लाइटली. प्रिपरेशन लुक्स लाइक बहुत लंबा चलेगा, एक साल दो साल, बट कहाँ से उठ जाते पता नहीं चलता. एवरी सिंगल डे काउंट्स, कार्पे डिएम, दैट इज वन थिंग. सेकेंडली यू हैव टू टेक योर इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल हेल्थ वेरी सीरियसली. डोंट फोकस ओनली एंड ओनली ऑन इंटेलेक्चुअल एकेडमिक ग्रोथ. यू हैव टू टेक योर मेंटल सोशल कंसिडरेशन वेरी सीरियसली. लॉन्ग टर्म में दे बिकेम द इम्पेडिमेंट अगर आप उसका शुरू से ख्याल ना रखो तो. तीसरी बात, डू नॉट सेग्रीगेट बिटवीन प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू एट दिस स्टेज. सब साथ में करो. एवरी सिंगल टॉपिक इज बेयरिंग ऑन ऑल ऑफ देम. एटलीस्ट फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ्स डू नॉट सेग्रीगेट प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. जैसे आपका एक पूरा कोर्स फाउंडेशन का हो जाएगा एंड यू आर जस्ट 3 to 4 months, 5 months बिफोर द प्रीलिम्स, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट सेग्रीगेटिंग द थिंग्स. ये प्री के लिए, वो मेंस के लिए. फर्स्ट फ्यू मंथ्स एवरीथिंग हैज टू गो इन सिंक. ठीक है. अटेंडिंग क्लासेस, ओके. रीड वन राउंड ऑप्शनल एंड जेस, ओके. ठीक है, मैं आई थिंक आई आंसर द क्वेरी ऑलरेडी. हाउ मच टाइम शुड इट टेक टू कंप्लीट हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस? समीन अहमद. विशाल सर, आप बता पाएंगे? सर मेरा इसमें ये टेक रहेगा दैट अगर ग्राउंड लेवल से अभी प्रिपरेशन शुरू किया है और कभी हिस्ट्री से वाकया नहीं पढ़ा है इसके पहले, सो इट मे टेक सम टाइम, maybe 1 year, maybe 15 months or so, एक अच्छा मतलब competitive level तक पहुँचने के लिए. And अगर already cover कर रखा है, for example, especially अगर graduation में था history, so it should take you not more than 7 or 8 months. लेकिन graduation के साथ भी दिक्कत ये होती है कि perspective change करना पड़ता है, क्योंकि academia में, universities में काफ़ी डॉगमेटिक तरीके से तैयारी करवाई जाती है कि केवल एक पर्सपेक्टिव बताया जाता है. हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक टीचर का अपना एक नज़रिया होता है चीज़ों को परसीव करने का और चीज़ों को समझाने का. और यूनिवर्सिटी टाइप क्वेश्चंस में वो ड्रिल करवाया जाता है कि आप केवल उसी तरह से. यहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ा बदल जाता है. जैसे आपने अभी हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात करी दैट it is not simply a part of history, it is the essence of it, right? And historical narrative ko samajhne ke liye historiography ka ek organic knowledge aur ek organic awareness hona zaruri hota hai. Wo transition karne mein kai baar university students ko dikkat hoti hai when they start preparing for the UPSC, right? And that is why mera to ye manna hai that if you have the time and the resources, agar aur aapki agar kshamta hai aur inclination hai ki jaldi se jaldi cover karna hai, to kisi achhi jagah par kisi teacher ko dekh karke unki classes aap join kar lijiye. So on an average it takes roughly 6 months classroom ke andar 2-3 ghante ki class lekar ke रोज अगर, या फिर हफ्ते में 5-6 दिन क्लासेस चलती रहें तो 6 महीने के अंदर अंदर सिलेबस कंप्लीट हो सकता है. एंड विद द डेप्थ एंड क्लैरिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्चुअली क्लियर द एग्जाम, राइट? तो वंस अगेन देखिए, प्रिपरेशन में, यूपीएससी की प्रिपरेशन में और एग्जाम में 2 करेंसीज हैं. एक है टाइम और दूसरा है पैसा, राइट? अगर आप पैसा नहीं खर्च करते हैं तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर टाइम आपके पास कम है तो पैसा थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, राइट? बट इट इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ स्पेंडिंग दैट मनी, इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ असेसिंग वेदर यू विल बी एबल टू अंडरटेक दिस टास्क ऑन योर ओन और नॉट. एक ऑनेस्ट एनालिसिस करिए कि आप अगर खुद से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि खुद से नहीं कर सकते हो आप. एवरीबडी कैन डू दिस ऑन योर ओन, इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू टेक टू रीच दैट टॉपर लेवल, राइट? तो वो एनालिसिस अगर कर लेते हैं तो देन आई थिंक कि सिचुएशन थोड़ा क्लियर हो जाता है उसके बाद. मेरा तो ये एनालिसिस है सर अबाउट दिस. परफेक्ट, परफेक्ट. 6 to 8 months इज अ नॉर्मल टाइम. यस सर, दैट आई कंप्लीटली एग्री. सर, आई एनरोल फॉर योर पीएमपी कोर्स. आई नाइदर लर्न ओनली हिस्ट्री बट ऑल्सो लाइक हिस्ट्री. तो सी, फॉर एनी ऑप्शनल नो, यू हैव टू लाइक द सब्जेक्ट. इफ यू लाइक द सब, इंटरेस्ट इज द की सेंस. देखो मैं आपको बताऊं,
from experience of me and many of my friends around and students also, that choosing an optional is nothing but choosing like second wife. वो आपका हो सकता है 2 साल 3 साल साथ देगी, तो उस केस में यू हैव टू हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, अदरवाइज यू कांट गो अहेड. ठीक है, सो जस्टिफाइबल इन एनरोलिंग इन डी यू विल गेट टाइम फॉर प्रिपरेशन फॉर मास्टर्स. क्षितिज, इट डिपेंड्स ऑन 2-3 थिंग्स. एक तो पहली बात तो टाइम की बात है, इट डिपेंड्स ऑन विच कॉलेज यू आर इन. लोग टाइम निकाल लेते हैं, आफ्टर अ पॉइंट डोंट गो टू कॉलेजेस, वो एक बात है, एंड डिपेंड्स ऑन टीचर्स ऑल्सो. बट मोर देन दैट व्हाट आई वांट टू से इज दैट द अप्रोच दैट यू हैव इन एकेडमिया इज लिटिल बिट डिफरेंट देन अप्रोच यू नीड फॉर सिविल सर्विसेज. उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों हैं. आई वुड फोकस ऑन वन सिंगल डिसएडवांटेज राइट नाउ, एंड दैट इज इन एकेडमिया यू टेंड टू गो मच मच डीपर इन वन स्मॉल एस्पेक्ट. एक चीज को लेके उसको अंदर आप इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू नो द हॉरिजॉन्टल ब्रेथ. What you are supposed to know is एक single topic को लेकर अंदर कितना जा पाते हो, and can you write a thesis, can you write 10 pages, 20 pages on that, and try to bring out different facets of it. In UPSC that is not required, rather it is very antithetical to the requirement of UPSC. यहाँ पे आपको 250 words, 350 words है, in that you have to be very concise, precise, bring out the essence, bring out the big picture, and then open the topic, consider a few opinions, move on, that's all. 300 words में करना है. जो लोग एकेडमिया वाले होते हैं दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू शिफ्ट टू दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, बट वंस दे शिफ्ट इट इज वेरी गुड. सो एकेडमिया में जाना विल हेल्प यू अ लॉट इन इंप्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री. डेफिनेटली यू विल एंजॉय बिकॉज यू सेड दैट यू लाइक द सब्जेक्ट, यू विल एंजॉय. इट विल ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग यू योर ऑप्शन बी परहैप्स बैकअप प्लान, बट एज अ डायरेक्ट यूजफुलनेस फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल इन सिविल सर्विसेज आई डोंट थिंक इट इज मच इम्पॉर्टेंट. So that is my point. Any other query? I see some Sabrish yahan pe. Sabrish, how are you? So I think Vishal sir. Sir, I'm. हाँ बोलो Sabrish. Am I audible? Yeah, you are completely audible. Audible? Yes, Sabrish. Fine. I just wanted to. Sir, I got this notification in the group that you are running a master class, so I thought of you will get to see some good points from you. So did you find anything useful? The class was good, sir. I got some new... Yes, sir. Actually, the way Vishal sir showed that analysis of last year question papers. Heat map. Yes, sir. Sir, I'm audible. Yes, you're audible. Yes, sir. That one, and when you are speaking, you are discussing about how historiographical debate has to be used in different questions. That was very interesting, sir. Maybe I think it would be work for both of you. But if you can do segregate questions like that also, like where we need historiographical debate and where that is not required, or where just slight sprinkling is enough. If you can categorize something like that based on PVQ, maybe that will be very useful, sir. We are trying to incorporate that in this year's DAM program. We will try to include that. So be on the lookout for that. That is something that Nikhil sir and I have both discussed, that there needs to be more clarity on how to use historiography and apply it in the answers. So DAM gives us the best opportunity to demonstrate that. And that is what we are looking to incorporate in our program this year. Right? So, Yes, sir. Actually, DAM has been a good program. So, like last 2 years, I've been part of DAM. It has been a very good program. Now, my plan is so what to do is so like I'm not able to naturally inculcate historiography. So, what I thought was like whatever I'm learning from DAM, whichever historiography I'm learning from DAM, if I get similar questions and to choose questions which does not require much historiography, maybe that would be some kind of tip, because I'm struggling to improve on historiographical debates and inculcating systems. Nikhil sir demonstrated na that there are different types of questions, some are argumentative. Yes sir, exactly, that was I was telling that, like my strategy is to choose those questions where I know historiography, maybe from DAMP, say for that, and remaining questions
if you can categorize based on like which area requires more historiography and which doesn't require much historiography, maybe I will focus on those where it doesn't require, and then I will score those initial points and maybe come to the those questions which requires more debate. What sir and I were actually discussing was that in our DAM program, we can include a discussion like this of the previous 5 years question papers that will be sufficient enough to demonstrate where historiography is actually required and where it can be avoided and in where it is actually unwelcome. Ki kahan pe nahi dalna chahiye, that should also be clear. So that we have planned as part of our DAM. Let us see how well we are able to execute it. Okay, sure. I think one of the classes in Nikhil sir's class, I think I asked him, I requested him to make a booklet of PYQs. Maybe that, but he told that it's a humongous task. Because for PYQs, we don't have a good source in the market, sir. Maybe we have this self-study history, but they are just... It is good that we don't have a good solved PYQ, right? Because that is actually what forces us to practice our own answers. Otherwise, everybody would take the same PYQ, try to mug it up, and then they are going to lose the entire focus of preparation only. Because in the examination hall, although many questions may be repeated or many questions may touch upon many of the previous year's question papers, but still you are going to be in a deficit as compared to somebody who has gone through the organic process of answering those PYQs, right? So it is a competitive examination at the end of the day, and solved PYQs is simply going to be another equalizer. For example, jo kitabe milti hain, that is one equalizer. The discussions that we have in class, that is another equalizer. Your answer writing that you do, that is another equalizer. The solved PYQs are simply going to be another equalizer, right? So it won't add to your preparation, or it won't enrich your preparation as much as if you were to, in comparison, go through the whole process of attempting the previous year's questions or strategizing through the previous year's questions yourself. Yes, sir. That's also right. Yeah. Right. Thank you, sir. Thank you very much, sir. It was a great session. Let us try to arrange one more masterclass sometime for just PYQ discussions. For PYQ discussions. How to analyze PYQs of last few years. Okay, sir. एक करते हैं बिल्कुल करते हैं इन द कमिंग वीक और टू वेरी डू इट यस प्रीलिम्स के पहले इस तरह के दो तीन और डिस्कशन रखते हैं हम लोग डन ठीक है सर ओके देन ऑल राइट देन गाइस थैंक यू फॉर योर टाइम इफ देयर आर नो फर्दर क्वेरीज आई वुड रिक्वेस्ट निखिल सर टू लॉग अस आउट होस्ट आप ही हैं सर शायद अच्छा मैं तो होस्ट हूं राइट ओके